श्री मेवालाल चौधरी। अध्यक्ष महोदय, यह सवा राज्य सरकार से अवस्था करती है कि वह भागलपुर मुंगेर जिला के सगरामपुर प्रखंड अंतर्गत बेलरनी सिंचाई परियोजना का निर्माण अविलंब करावे। जल संसाधन। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि मुंगेर जिला के संग्रामपुर प्रखंड अंतर्गत बेलहरनी सिंचाई परियोजना का योजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इस योजना के तकनीकी संभवता के निर्धारण हेतु जल की उपलब्धता एवं प्रस्तावित कमांड क्षेत्र में जल की आवश्यकता के आंकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययनोपरांत तकनीकी रूप से संभाव्य पाए जाने एवं कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से अधिक पाए जाने के उपरांत योजना के कार्यान्वयन पर निर्णय लिया जाएगा, इसलिए प्रस्ताव वापस ले लीजिए। महोदय, ये एक पेरिनियल रिवर है ना महोदय, वहाँ जल की अपार क्षमता है और तकरीबन 5000 हेक्टेयर की सिंचाई होती है। हम निवेदन करेंगे आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी को, इस पे जरूर विचार करें, चूंकि 5000 हेक्टेयर में सिंचाई नहीं हो पाता है। महोदय, अभी वापस ले लीजिए। चले तो जाते घटना स्थल। वीरेंद्र कुमार सिंह। सुशील मोदी जी तो भाग गए, क्यों भाग गए भाई, ये क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के नवीनगर से कोरीडी सड़क के सामने सोन नदी में रोहतास जिला के कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री के सामने पुल का निर्माण करावे। माननीय सदस्य, ग्रामीण कार्य मंत्री, वस्तु तो यह है कि अविस्थापित पुल स्थल सोन नदी के एक तरफ धुंधवा बसावट है, जिसे पीएमजीएसवाई अंतर्गत निर्मित पथ कोइरी डी तेतरिया मोड़ से धुंधवा तक पथ के निर्माण पथ से संपर्कता प्रदत्त है। सोन नदी के दूसरी तरफ रोहतास जिला अंतर्गत डालमिया सीमेंट फैक्ट्री है, जिसे कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ नदी के किनारे समहुता ग्राम है, जिसे डेहरी यदुनाथपुर पथ से संपर्कता प्रदत्त है। इस आरेखन में योग्य बताने के समहुता ग्राम नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है। वर्णित परिस्थिति में मान्य सदस्य अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे। वापस ले लीजिए मान्य सदस्य। सभापति महोदय, रोहतास और औरंगाबाद विचाराधीन है नहीं है। और झारखंड सब जगह से पूछ लिया जाए, मेंबर लोग से पूछ लिया जाए, ये इतना महत्वपूर्ण है। चलिए अब फिलहाल वापस, ये सरकार इस पर गंभीरता से इसको ले, मैं आग्रह करता हूँ सरकार से। और विकास, सरकार तो विकास के प्रति एकदम अब इतनी प्रशंसा कितनी प्रशंसा करे, लेकिन इस पुल को बनना एकदम नितांत आवश्यक है, इसको बनना चाहिए। वापस लीजिए। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं। माननीय सदस्य, अपना संकल्प वापस लिया। माननीय सदस्य श्री वशिष्ठ सिंह जी। महोदय, यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला अंतर्गत गारा चौबे नहर एवं करगहर वितरणी का लाइनिंग एवं पक्कीकरण करावे। माननीय मंत्री जल साधन। महोदय, सोन नहर प्रणाली अंतर्गत पश्चिमी मुख्य नहर के 30.80 किलोमीटर से निश्चित गारा चौबे शाखा नहर का रूपांकित कृषि कमान क्षेत्र 13,836 हेक्टेयर है। आवश्यकता अनुसार नहर का संपोषण एवं मरम्मती कराकर खरीफ वर्ष 2018 में 13,505 हेक्टेयर क्षेत्र में पटवन कराया गया। गारा चौबे शाखा शहर के 12.40 किलोमीटर से निश्चित करहगर वितरणी का रूपांकित कृषि कमान क्षेत्र 12,713 हेक्टेयर है। आवश्यकता अनुसार नहर का संपोषण एवं मरम्मती कराकर खरीफ वर्ष 2018 में 11,650 हेक्टेयर क्षेत्र में पटवन कराया गया। उक्त स्थिति में तकनीकी आर्थिक
संभाव्यता के आलोक में गारा चौबे शाखा नहर एवं इससे निश्चित करागर वितरणी के पुनर्स्थापन एवं लाइनिंग कार्य हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश विभागीय पत्रांक 815 दिनांक 28/6/2019 द्वारा मुख्य अभियंता सिंचाई सृजन डिहरी को दिया गया। चलिए महोदय, चलिए महोदय वापस लीजिए, हो गया महोदय प्लीज। चलिए माननीय सदस्य महोदय महोदय महोदय, ये दो जिला में नहर से पटवन होता है महोदय, और जब लाइनिंग हो जाएगा तो किसानों का पानी और नीचे तक जाएगा, इसलिए हमारा सरकार से महोदय निवेदन है, आग्रह है सरकार से महोदय कि कृपा करके हमारे माननीय मंत्री महोदय शीघ्र इसको काम को करा दें कि ताकि उस इलाके के किसान को लाभ मिल सके। महोदय वापस लीजिए, वापस तो लेना ही पड़ेगा महोदय, लेकिन हम आग्रह जो माननीय सदस्य आलोक आलोक कुमार मेहता। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार विधानमंडल परिसर में भी उच्च न्यायालय विश्वेश्वरैया भवन आदि की तरह विधानमंडल कर्मी के हित में रेलवे टिकट आरक्षण केंद्र स्थापित करने हेतु रेल मंत्रालय से अनुरोध करे। परिवहन मंत्री, माननीय परिवहन महोदय, बिहार विधानमंडल परिसर में भी उच्च न्यायालय विश्वेश्वरैया भवन की तरह विधानमंडल कर्मी के हित में रेलवे टिकट आरक्षण केंद्र स्थापित करने हेतु राज्य सरकार केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय से अनुरोध करेगी, अतः मान्य सदस्य आग्रह है कि प्रस्ताव वापस लें। वापस तो स्वीकृत हो गया जब सत्य। धन्यवाद धन्यवाद मंत्री। माननीय सदस्य श्री नंद किशोर राय जी, नंद कुमार राय जी, मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मोतीपुर प्रखंड स्थित मोतीपुर चीनी मिल जो विगत 30 वर्षों से बंद है, किसान हित में शीघ्र चालू करावे। गन्ना मंत्री। माननीय सभापति महोदय, मोतीपुर चीनी मिल को गन्ना आधारित उद्योग के रूप में पुनर्जीवित करने हेतु सरकार द्वारा इस इकाई को इंडियन पोटास लिमिटेड को लंबी अवधि की लीज पर हस्तांतरित किया गया। सरकार द्वारा किए गए हस्तांतरण के विरुद्ध इस मिल के पूर्व प्रबंधन एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में रीट याचिका CWJC संख्या 8840/2006, 427/2011 एवं 410/2011 दायर की गई, जिसमें उनके पक्ष में न्याय निर्णय प्राप्त हुआ। उक्त न्याय निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में LPA संख्या 13/54/2012 दायर किया गया, जिसमें सरकार के पक्ष में न्याय निर्णय प्राप्त हुआ। उपरोक्त न्यायाधीश के विरुद्ध वादियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP संख्या 14461618/2014 दायर किया गया। वर्तमान में यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन है, अतएव माननीय सदस्य आग्रह करता हूं कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। वापस लीजिए महोदय, मामला 5-6 साल से सर्वोच्च न्यायालय में है, पेंडिंग में, तो ऐसा हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसमें उसका निष्पादन कराने का काम करें। मैं प्रस्ताव को वापस लेता हूं। माननीय सदस्य श्री राम बालक सिंह जी। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत विभूतिपुर प्रखंड के कल्याणपुर उत्तर पंचायत एवं मुस्तफापुर पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय के भवन निर्माण कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करे। माननीय शिक्षा मंत्री। सभापति महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 1021 दिनांक 5/7/2013 के तहत अब तक 2676 माध्यमिक विहीन पंचायतों में अवस्थित मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया जा चुका है।
इसके अंतर्गत 1734 विद्यालय भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। शेष विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में दे दी जाएगी। अतएव माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। सभापति महोदय वापस यह उक्त विद्यालय दोनों वापस एक मिनट सर। सभापति महोदय ये दोनों विद्यालय 3 वर्ष पहले स्वीकृत हो चुका था भवन निर्माण के लिए। ठेकेदार वहां गया भी और लौट के चला आया। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से जल्द बनाने का कृपा करेंगे और हम अपना प्रस्ताव वापस लेंगे। माननीय सदस्य ने संकल्प वापस लिया और माननीय सदस्य ओबैदुर रहमान जी का है, इनका मदन मोहन तिवारी जी का पूछेंगे पढ़ेंगे। यह सभा राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के अररिया प्रखंड के बांसवाड़ी पंचायत अंतर्गत गरगदी टोला वार्ड नंबर 2 से रऊफ के घर के बगल से दलघोरवा घाट पर पुल निर्माण करवावे। माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री महोदय, वस्तु स्थिति है कि अविस्थापित पुल स्थल गरगदी टोला के आंतरिक पथ करीम के घर से उजरिया टोला होते हुए आलम के घर तक के आरेखन पर अवस्थित है, जो किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है। मुख्य बसावट बड़ी गरगदी टोला को मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत निर्मित पथ NH 57 हरिया चौक से बड़ी गरगदी तक पथ से संपर्कता प्राप्त है। प्रश्नाधीन पुल के निर्माण का तत्काल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः उपयुक्त वर्णित तथ्यों का आलोक में मान्य सदस्य अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे। मान्य सदस्य श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी अपना संकल्प पढ़ें। सभापति महोदय, मैं राज्यसभा से यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह गोपालगंज जिला अंतर्गत कुचायकोट प्रखंड के सोनहुला उच्च विद्यालय के परिसर में स्टेडियम का निर्माण करावे। माननीय कला संस्कृति एवं युवा मंत्री मंत्री जी नहीं है क्या? कौन सी माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार सिंह जी। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा मंत्री नहीं है, कला संस्कृति मंत्री। पढ़ देते हैं महोदय, पढ़ देते हैं, मंत्री जी आएंगे तो जवाब दिलवा दीजिए। पढ़ दीजिए। यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह सुपौल जिले के वीरपुर अनुमंडल मुख्यालय में स्टेडियम का निर्माण करावे। हमने शुरू आपका इनका हो जाता है तो आपका हो जी। हाँ चलिए, माननीय मंत्री जवाब नीरज जी का जवाब दीजिए पहले। महोदय, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत एक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है। वस्तु स्थिति यह है कि सुपौल जिले के वीरपुर अनुमंडल मुख्यालय में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु बसंतपुर प्रखंड मुख्यालय के लिए जिला पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव में भूमि की विवरणी लंबाई एवं चौड़ाई मीटर में नहीं दी गई है। पुनः संशोधित प्रस्ताव जल संसाधन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित मांग की जा रही है। प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभागीय मानक के अनुरूप विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। चलिए संकल्प वापस। महोदय 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 आपका विचार किया जाएगा आपका। महोदय, रिपोर्ट वहां से भेज दिया गया है जिलाधिकारी के द्वारा और ये अनापत्ति का जो मामला है महोदय, हर चीज में वही अनापत्ति का मामला आ जाता है। विभाग से अनापत्ति जल्द से जल्द मंगा लिया जाए और इसके लिए महोदय हम लोग परेशान हो। वापस जी महोदय, जो आया है चिट्ठी वह 4.45 एकड़ में दिया है। अब उसका मानक का लंबाई चौड़ाई महोदय देख लिया जाएगा, उसके बाद स्वीकृति हो जाएगा। वापस लीजिए महोदय, माननीय सदस्य आग्रह करते हैं संशोधन मंगवा करके इसको विलंब करवा दे। जी महोदय, हम लोग मंगवा कर इसको करवा देंगे। आग्रह सदस्य वापस लिया।
आप जवाब दे दीजिए अमरिंदर पांडे जी का, इसके ऊपर वाला। माननीय सदस्य अमरिंदर पांडे जी संकल्प पढ़ चुके हैं जी। महोदय महाशय अति महोदय मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत एक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है। गोपालगंज जिले के कुचाईकोट प्रखंड में सोनौल उच्च विद्यालय परिसर में स्टेडियम निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी गोपालगंज से प्रस्ताव प्राप्त है। उक्त प्रखंड में फुटबॉल स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। चलिए महोदय से सदस्य आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले। बनेगा ना वहाँ? अब बन जाएगा। चलिए मैं अपना संकल्प वापस ले। माननीय सदस्य ने अपना संकल्प वापस लिया। और माननीय सदस्य श्री फैसल रहमान जी अनुपस्थित। माननीय सदस्य श्री राम विशुन सिंह जी। सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिष्ट करती है कि भोजपुर जिला अंतर्गत जसवी प्रखंड के उजियारपुर एवं अवसान टोला के बीच छेद नदी में पुल का निर्माण करावे। माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री महोदय वस्तु स्थिति है कि अविस्थापित छेद नदी पर पुल एक तरफ जगदीशपुर प्रखंड का उजियारपुर एवं अवसान टोला बसावट है। इस बसावटों को PMGSY अंतर्गत निर्मित पथ T2 से उजियारपुर पथ से संपर्कता प्रदत्त है। पुल स्थल के दूसरी तरफ भैराही गांव है जिसे MMGSY अंतर्गत निर्मित पथ NH30 हाट पोखर दावा रोड भाया भवराही से रतन दंडी पथ से संपर्कता प्रदत्त है। इस तरफ पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावटों को 12 मासिक पथ से एकल संपर्कता प्रदत्त है। उजियारपुर एवं भैराही के बीच में छेर नदी है। इस आरेखन में कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोड नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है। इसके निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है। वर्णित परिस्थिति में मान्य सदस्य अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें। जी वापस लीजिए अपना संकल्प। मंत्री ये दोनों तरफ आपका सड़क बना हुआ है, अब बीच में आपका पुल नहीं बना है तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि फिर से पुनः दिखा करके वहाँ पुल का निर्माण कराया जाए। मैं तो अपना माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले। माननीय सदस्य श्री नरेंद्र कुमार नीरज जी। यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत त्रिमोहान के से कुरसेला टीके बांध पर पक्की सड़क का निर्माण करावे। माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री दोनों है आपका, दोनों। चलिए दोनों को जवाब देना है क्या? दोनों महोदय वस्तु स्थिति के अविस्थापित पर दो भागों से संबंधित है। नंबर एक टीए बांध से NH31 अविस्थापित पथ के आरेखन में सधुआ एवं चापर दियारा बसावट अवस्थित है जिसकी संपर्कता शीर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित NH31 सधुआ से चापर दियारा पथ से प्राप्त है। अतः इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है। नंबर दो NH31 से त्रिमुहान अविस्थापित पथ स्थित राज्य योजना नवाड लीन संपोषित अंतर्गत NH31 पुल रेलवे पुल के नीचे से होकर गाइड बांध होते हुए कटरिया के तरफ बट वृक्ष के बाएं तरफ से संगम स्थल तक पथ एवं पुल सहित के नाम से स्वीकृत है। यह पथ निविदा की प्रक्रियाधीन है, तदुपरांत अग्रतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों का लोक मंगाने से सदस्य अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे। मेरा जी संकल्प वापस ले लीजिए। वापस हो गया। सदन की सहमति से माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लिया। माननीय सदस्य श्री अब्दुल सुभान जी अनुपस्थित। माननीय सदस्य अभय कुमार सिन्हा जी। माइक पर पढ़िए। माइके पर है महोदय। यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह गया जिला के टिकारी अनुमंडल अंतर्गत आरंभ से अंतिम छोर तक अपर एवं लोअर मोरहर नहर की उड़ाही करावे। माननीय जल संसाधन मंत्री।
गया जिला अंतर्गत अपर मोरहर सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य प्राकलित राशि 2,82,00,000 की लागत से वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्ण कराया गया। खरीफ सिंचाई अवधि 2018 में निर्धारित सिंचाई लक्ष्य 9,500 हेक्टेयर क्षेत्र के विरुद्ध 100% सिंचाई उपलब्ध प्राप्त की गई है एवं नहरों के अंतिम छोर तक जलस्रोत प्रभावित किया गया। लोअर मोरहर सिंचाई योजना के पुनर्स्थापन कार्य का DPR तैयार कर लिया गया। प्राकलन की तकनीकी जांच की जा रही है। निधि की उपलब्धता के आधार पर कार्यान्वयन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। संकल्प वापस, इसलिए संकल्प अपना वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए। सभापति महोदय, हो गया आपका तो DPR तैयार हो गया, सब हो गया। लोअर का DPR अपना संकल्प वापस लिया। एक मिनट सभापति महोदय, एक मिनट। अब महोदय, महोदय ने बताया कि 17-18 में 16-17 में 2 करोड़ की लागत से काम कराई गई है। वो काम नहीं महोदय, सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। उसमें परैया प्रखंड के मंझार से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक नहर में पुल टूट करके गिरा हुआ है महोदय। तकरीबन 5-6 वर्षों से वो पुल टूटा हुआ है महोदय। ठीक है, इसलिए टेक्निकल जांच हो ही रहा। मैं प्रस्ताव वापस ली। माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लिया। माननीय सदस्य श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी उर्फ रिंकू जी। सभापति महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत बगहा के लिए एक स्वतंत्र विद्युत ग्रिड का निर्माण करावे। माननीय ऊर्जा मंत्री जी। महोदय, उक्त संदर्भ के आलोक में पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत बगहा में 132/33 KVA ग्रिड निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। चलिए, आप अपना संकल्प वापस लीजिए, विचाराधीन है। कब तक कर दिया जाएगा महोदय? चूंकि एक जो ग्रिड है वो 80 किलोमीटर दूर है और एक ग्रिड जो है वो 40 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से बगहा के लोगों को और आसपास के लोगों को मतलब विद्युत का काफी समस्या का ये करना पड़ता है। तो कब तक इसका हो जाएगा बता देते सर? कल वापस लीजिए, बस बता दे, वापस ले लेंगे हम। तो जल्दी ही इसको प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। संकल्प वापस, माननीय सदस्य संकल्प वापस लिया। माननीय सदस्य श्री विद्यासागर केसरी जी। सभापति महोदय, यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज प्रखंड के कुसमाहा पंचायत के कुसमाहा हाट से सिंगिया नदी पर बने नवनिर्मित पुल से होकर पोखरिया गांव नेपाल सीमा तक एवं इसी पुल से महादलित टोला टिकरा मुसहरी होकर हठेवा गांव के नेपाल सीमा तक जाने वाली कच्ची सड़क का कालीकरण करावे। महोदय, ग्रामीण कार्य मंत्री। महोदय, वस्तु स्थिति है कि अभिस्तावित पर 2 पथों से संबंधित है। नंबर 1, फारबिसगंज प्रखंड के कुसमाहा पंचायत के कुसमाहा हाट से सिंगिया नदी पर बने नव निर्मित पुल से होकर पोखरिया गांव नेपाल सीमा तक। उक्त पथ शीर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कुसमाहा से हल्ला के नाम से स्वीकृत है, जो निर्माणाधीन है। नंबर 2, सिंगिया नदी पर बने पुल से महादलित टोला टिकरा मुसहरी होकर हठेवा गांव तक। उक्त पथ के निर्माण हेतु शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है, तदोपरांत अग्रतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों का आलोक मान्य सदस्य अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे। हो गया आपका, वापस लीजिए। महोदय, जो कुसमाहा से जो पोखरिया जो निर्माण होना है वो लगभग 1 साल से जो है जो संवेदक है वो टाल मटोल कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो संवेदक को जो है माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि एक बार जो है संवेदक यह काम को कर दे, इसकी चिंता हमको बता दे और कब तक कर देंगे ये काम कर दे। मंत्री जी से बोल दे कब तक इस कुसमाहा से पोखरिया वाला काम करवा देंगे, जल्द से करवा देंगे। संकल्प वापस लीजिए। माननीय सदस्य ने संकल्प वापस लिया। माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर जी। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किसान हित में प्रतिवर्ष 15 नवंबर से धान की अधिप्राप्ति को व्यवहारिक कराने हेतु नमी के मानक नियमों में आवश्यक परिवर्तन करावे अथवा वैकल्पिक व्यवस्था करावे। माननीय
मंत्री खा देना उपभोक्ता संरक्षण महोदय महोदय नहीं इतना महत्वपूर्ण मंत्री जी का आप कृषि मंत्री मानिए आप जवाब दीजिए खाद इतना महत्वपूर्ण मंत्री जी का कैसे हो ट्रांसफर करा दिया गया कृषि में आया था ट्रांसफर करवा दिया गया माननीय सदा श्री उपेंद्र पासवान जी मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला अंतर्गत बखरी प्रखंड के बैरवा सकरपुरा के मध्य नदी पर पुल का निर्माण करावे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय अविस्थापित पुल राजकोट नेटवर्क के छूटे हुए पुल पुलियों की सूची में सम्मिलित है प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य कराया जाएगा अतः मान्य सदस्य अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने का कष्ट करेंगे संकल्प वापस लीजिए हो जाएगा वापस चलिए सदन की सहमति से माननीय सदस्य ने अपना संकल्प वापस लिया माननीय सदस्य श्री अचित ऋषिदेव जी सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से यह प्रस्ताव करती है कि वह अररिया जिला अंतर्गत रानीगंज प्रखंड मुख्यालय के रानीगंज बाजार में एन एच 3 से 37 ई पर जाम लगने से अस्थायी निजात दिलाने के लिए रानीगंज के बगल से बाईपास का निर्माण करने के सिफारिश भारत सरकार से करें माननीय पथ निर्माण मंत्री महोदय हम इनका प्रस्ताव स्वीकार करते महोदय मई में ही हमने भेज दिया भैया महोदय रानीगंज बाजार से बगल से कुल 5.03 किलोमीटर लंबाई में बाईपास निर्माण हेतु प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना में 19-20 में शामिल करने हेतु विभाग द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया गया जो मंत्रालय में विचाराधीन है और ये महोदय अनुरोध 8/5/2019 को ही कर दिया गया इसलिए हम इनके प्रस्ताव को स्वीकार करते माननीय सदस्य श्रीमती आशा देवी माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कुडनी प्रखंड में मरीचा नून नदी पर राम इकबाल ठाकुर के नदी पुल का निर्माण करें माननीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय अविस्थापित पुल राजपुरा कोर नेटवर्क में सम्मिलित पथ T2 शाहपुर मरीचा चौक से शाहपुर मरीचा भूमिहार एवं माली टोला का आरेखन पर पड़ता है प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर पथ के साथ पुल का निर्माण कार्य कराया जा सकेगा अतः मान्य सदस्य अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने का महोदय बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जल्दी इसको करवा दें मैं माननीय सदस्य संकल्प अपना वापस लिए माननीय सदस्य श्री अनिल सिंह जी सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वह बिहार के सपूत महान स्वतंत्रता सेनानी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार में औद्योगिक क्रांति के जनक और विकास पुरुष स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की केंद्र सरकार से सिफारिश करे माननीय मंत्रिमंडल सचिवालय महोदय गृह मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में प्रति वर्ष पद्म पुरस्कारों की अनुशंसा के साथ भारत रत्न पुरस्कार की भी अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी जाती है संप्रति बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर सिंह को भारत रत्न दिए जाने की अनुशंसा करने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है अतः संकल्प वापस स्वतंत्रता सेनानी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के औद्योगिक क्रांति के जनक विकास पुरुष श्री कृष्ण बाबू के योगदान को बिहार के निर्माण में जो योगदान रहा है कभी भुलाया नहीं जा सकता महोदय मैं प्रस्ताव ही तो इस गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से लाया हूं इसलिए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है इन्हें भारत सरकार को भेजना है ये कृपया इस पे हम निवेदन करेंगे कि ये प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजे महोदय इसमें माननीय मंत्री महोदय से कहा कि जब गृह मंत्रालय से मांगा जाता प्रस्ताव तभी राज्य सरकार भेजती है
इसलिए फिलहाल अभी जब तक माना जाएगा वापस लीजिए। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय के आश्वासन और जिन्होंने जो प्रक्रिया बताई है उस प्रक्रिया के आलोक में जब हो तब ये पूरा करेंगे, इसी अपेक्षा के साथ मैं प्रस्ताव को वापस लेता। माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह राज्यसभा सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृषि की सिंचाई हेतु गंडक नदी से पानी उपलब्ध करावे। माननीय जल संसाधन, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत क्षेत्र सारण नहर प्रणाली कमान क्षेत्र से बाहर है। वर्तमान नहर प्रणाली से उन क्षेत्रों को सिंचाई उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इन क्षेत्रों को गंडक नदी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु से उद्भव सिंचाई परियोजना ही विकल्प है। विभागीय पत्रांक 793 दिनांक 23/7/2019 द्वारा मुख्य अभियंता समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन पटना को प्रश्नगत क्षेत्र में सिंचाई हेतु उद्भव सिंचाई योजना की संभाव्यता तलाशने हेतु निर्देशित किया गया है। संभाव्य पाए जाने पर उद्वह सिंचाई योजना के निर्माण के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी, इसलिए आग्रह है कि प्रस्ताव वापस लें। सभापति महोदय, आप भी आपको भी जानकारी है उस क्षेत्र की, और गंडक में जल का प्रभाव है, उसके बगल में ही यह क्षेत्र है जहां जल का अभाव है, और पूरी सरकार इस बात को लेकर चिंतित भी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिन भी अभियंताओं की टीम आपने भेजी है लिफ्ट इरिगेशन पर, आप उनको कहिए कि लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से वहां पर सिंचाई की व्यवस्था करावें, और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप जरूर कराएंगे मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लिया। माननीय सदस्य श्री नौशाद आलम जी। माननीय सदस्य श्री नौशाद आलम। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला अंतर्गत ठाकुरगंज प्रखंड के जलेबिया मोड़ से मुरालीगंज बंगाल बॉर्डर तक भाया मानिकपुर PWD रोड का चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र करावे। माननीय पथ निर्माण मंत्री। महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत ठाकुरगंज प्रखंड के जलेबिया मोड़ से ठाकुरगंज प्रखंड मुख्यालय तक 1.20 किलोमीटर नगर पंचायत ठाकुरगंज के अधीन है तथा ठाकुरगंज प्रखंड मुख्यालय से मुरलीगंज बांग्लादेश बॉर्डर तक भाया मानिकपुर पथ 15.20 किलोमीटर अच्छी स्थिति में है, OPMC फेज 2 में शामिल है। तत्काल अब इसकी चौड़ीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए माननीय सदस्य अनुरोध है अपना संकल्प वापस ले। संकल्प वापस लीजिए। सभापति महोदय, बहुत वो बंगाल को जोड़ती है रोड, मैं कुछ भी उम्मीद करता हूँ माननीय मंत्री जी से इस आशय के साथ के उसको आगे भी इस साल नहीं तो अगले साल किया जाए। माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लिया। माननीय सदस्य श्रीमती अमिता भूषण जी। सभापति महोदय, मैं अभिस्ताव करती हूँ कि यह सभा राज्य सरकार, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सरकारी कर्मियों की वर्ष 2005 से बंद कर दी गई पुरानी पेंशन प्रणाली को राज्य में पुनः चालू करावे। माननीय वित्त मंत्री। भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मियों के लिए प्रख्यापित अंशदायी पेंशन योजना के सदृश ही राज्य सरकार के द्वारा वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31/8/2005 द्वारा दिनांक 1/9/2005 उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली को समाप्त कर नई पेंशन प्रणाली लागू किया गया था। नई पेंशन प्रणाली को समाप्त कर पुरानी पेंशन प्रणाली को राज्य में पुनः चालू करने का राज्य के स्तर पर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। चलिए संकल्प वापस लीजिए। सभापति महोदय, वर्ष 2004 में तत्कालीन NDA की सरकार ने केंद्रीय कर्मियों तथा बाद में राज्य कर्मियों की पेंशन बंद कर दी गई, जिसके कारण सरकारी कर्मियों में धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ी है। अभी केंद्र सरकार ने भी महसूस किया है कि वृद्धावस्था सुरक्षित करने के लिए पेंशन दी जानी चाहिए। इसी तरह से राज्य सरकार ने भी एक स्वागत योग्य कदम उठाते हुए पत्रकारों को भी पेंशन दिया है। इसलिए मेरी मांग है कि राज्य की सरकार यह निर्णय ले और बंद हो चुके सरकारी कर्मियों को पुनः पेंशन चालू कराए। वापस लीजिए। मैं पुनः अपना आविष्कार जारी रखते हुए ही माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ और संकल्प वापस लेती हूँ।
आग्रह कर दीजिए संकल्प वापस लेने के। मैं आग्रह करता हूँ माननीय सदस्य से कि इस प्रस्ताव को वापस ले। मैं भी आग्रह करना चाहती हूँ इस पर पुनः विचार करें माननीय मंत्री जी और अपना प्रस्ताव वापस ले। माननीय सदस्य ने अपना संकल्प वापस लिया। माननीय सदस्य श्रीमती लेसी सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह पूर्णिया जिला अंतर्गत सरसी असद से भाया कादरगंज समदा डैनी होकर सबूतर होते हुए क्यों नगर एनएच तक तथा एनएच 107 चथरिया पीर से भाया हाट दमारा जयमंगला जगनी मिली होकर चंपा नगर पीरोलुडी पथ तक जाने वाली पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करावे। माननीय पथ निर्माण मंत्री महोदय, पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर अधिग्रहण की नई नीति का गठन प्रक्रियाधीन है। नई पथ अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद समीक्षा उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है अपना संकल्प वापस ले लें। संकल्प वापस। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगी कि जब भी नई नीति बने इसको शामिल किया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण पथ है, इस पथ को अधिग्रहण करके यदि पथ निर्माण विभाग बनाती है तो उस इलाके के लोगों को काफी फायदा होगा। यही आशा के साथ मैं संकल्प वापस लेती हूँ। माननीय सदस्य ने अपना संकल्प वापस लिया। श्री मनोहर प्रसाद सिंह सुबोध राय जी पढ़ेंगे। माननीय सदस्य सुबोध राय जी। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अंतर्गत मनिहारी घाट पर 1000 सार्वजनिक शौचालय के निर्माण का निर्णय करे। माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास मंत्री। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि मनिहारी घाट पर सार्वजनिक शौचालय के निर्माण हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है। ऐसा कोई प्रस्ताव नगर पंचायत मनिहारी के बोर्ड से पारित नहीं है। अतः माननीय सदस्य आग्रह है कि वो संकल्प वापस लें। वापस लीजिए। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा कि मुझे जानकारी दी है, कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अंतर्गत मनिहारी नगर पंचायत के गंगा घाट पर शौचालयों का निर्माण इसलिए आवश्यक है क्योंकि वहाँ माघी पूर्णिमा सावन महीने के प्रत्येक रविवार सोमवार और आदि पर्वों के बाद लाखों स्नानार्थी स्नान करने प्रतिवर्ष आते हैं और उसमें बड़ी संख्या महिलाओं की होती है। बड़े पैमाने पर कई जिलों से लोग आते हैं। एल सिटी घाट है तो अगर वहाँ शौचालय नहीं रहने के चलते वहाँ घाटों के किनारे काफी गंदगी फैलती है, प्रदूषण होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए वहाँ सरकारी भूमि भी उपलब्ध है तो इसलिए रेलवे की जमीन है और वो बिना उपयोग की है तो ऐसी स्थिति में उस पर लिया जा सकता है और सरकार उस पर शौचालयों का निर्माण कर सकती। महोदय, मनिहारी पंचायत से इसका प्रपोजल आएगा, वो रेलवे से अपना बात कर लेंगे। अगर जमीन हमको उपलब्ध होगा तभी तो बनाएंगे, इसलिए संकल्प तो वापस ले। माननीय सदस्य अपना संकल्प। माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वो राज्य में पिछले 5 वर्षों में पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत 200 करोड़ एवं इससे ऊपर की राशि से निर्मित निर्माण कार्यों के मूल प्राकलन एवं पुनरीक्षित प्राकलन सहित प्रत्येक निर्माण पर अलग अलग कुल लागत खर्च की जांच केंद्रीय सतर्कता आयोग के तकनीकी सिर से कराने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध करे। माननीय पथ निर्माण मंत्री। महोदय, सीबीसी एक्ट के बारे में जानकारी माननीय सदस्य को होगा। महोदय, उसको तो मैंडेटरी नहीं है कि वो राज्य की योजनाओं का इस प्रकार की जांच करे तकनीकी सेल को। मतलब जहां तक पथ निर्माण विभाग में 200 करोड़ से ऊपर के जितने कार्य महोदय उसके नियमित गुण नियंत्रण की जांच की जाती है।
बिहार के निर्माण पद के प्रमंडल के अंतर्गत प्रयोगशाला संवेदक के प्रयोगशाला से नियमित रूप से जांच की जाती है। सभी प्रमंडलों के कार्यों की जांच गुणवत्ता के चार प्रमंडलों द्वारा नियमित रूप से की जाती है। साथ ही मुख्यालय के वरीय अभियंताओं द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्पेशल इंस्पेक्शन ड्राइव चलाकर कार्यों का निरीक्षण किया जाता है। राज्य सरकार के अधीन महोदय निगरानी विभाग है, जिसमें अलग से तकनीकी कोषांग तकनीकी मामलों का प्रयोगशन केस टू केस बेसिस पर करता है। विभाग में प्रोजेक्ट के कंप्लेंट प्राप्त होने पर किसी मामले में निगरानी जांच की आवश्यकता महसूस होती है तो विविध प्रक्रिया अपनाकर निगरानी से भी मामले की जांच समय समय पर कराई जाती है। इस प्रकार पूरी सतर्कता से सभी कार्यों की जांच की जाती है और कार्य गुणवत्ता के साथ कराया जाता है। और मैंने पहले ही कहा महोदय, केंद्रीय सतर्कता आयोग को तो मैंडेट भी नहीं है कि वो राज्यों की योजनाओं का पर्यवेक्षण करे। अतः माननीय से अनुरोध है अपना संकल्प वापस लें। महोदय मैंने ये जो गैर सरकारी प्रस्ताव है, गैर सरकारी संकल्प, इस मकसद से लाया था कि जो 200 करोड़ से ऊपर वाली योजनाएं हैं, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, उनको निविदा मिलता है और वो बड़ी बड़ी जो कंपनियां, हम नाम नहीं लेना चाहते उन कंपनियों का, मगर वे कंपनियां जो है, जो निर्धारित अवधि है काम का, वो उस निर्धारित अवधि में काम नहीं करती है, 2 साल 4 साल 5 साल खींचती है। इसके वजह से फिर जो है वो रिवाइज्ड कराता है एस्टिमेट और सरकार पर और बिहार की जनता पर बोझ पड़ता है। तो कम से कम मंत्री जी हमारे मकसद को जानते हुए सिर्फ इतना ही बता दें कि 5 साल में जो 200 करोड़ के ऊपर वाली जो स्कीमें हैं उसकी अद्यतन स्थिति क्या है, वो पूरी हुई है या नहीं हुई है और कितना लंबा खींच रहा है और कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो काम छोड़ के चली गई हैं। तो अगर यह बता देते हैं तो हम वापस ले लेंगे और अगर नहीं बताएंगे तो हम तो वोट कराएंगे। महोदय ये सवाल तो इनको लाना चाहिए था महोदय ध्यानाकर्षण में। ये सवाल केवल इतना ही है, ये जो भी संकल्प लाए महोदय आप गौर से देखिए, इन्होंने लिखा है केंद्रीय सतर्कता आयोग के तकनीकी सेल से कराने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध करे, विषय इतना ही है। और महोदय मैं इनको बताना चाहता हूं, मैंने कहा इनको जो सीबीसी एक्ट 2003 है उसकी धारा 8 पढ़िए आप, उसमें सीबीसी का ज्यूरिडिक्शन डिफाइंड है। इस ज्यूरिडिक्शन में सीबीसी के अधीन सीधे तौर पर राज्य सरकार के विभाग एजेंसी नहीं आते हैं, वरन केंद्र सरकार के विभाग, केंद्र सरकार के अधीन कंपनी, सोसाइटी, कॉरपोरेशन इत्यादि आते हैं। चीफ टेक्निकल एग्जामिनर के फंक्शन में भी उपरोक्त केंद्रीय विभाग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कार्यों का टेक्निकल ऑडिट, तकनीकी मामलों में सीबीसी को एडवाइस एवं सीबीआई को असिस्टेंट शामिल है। महोदय राज्य सरकार द्वारा चीफ टेक्निकल एग्जामिनर को केंद्र सरकार के माध्यम से बंच ऑफ प्रोजेक्ट की टेक्निकल ऑडिट कराने का कोई प्रावधान ही नहीं है और इसीलिए इसके वहां जाने का विषय नहीं पैदा होता। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं, आपके अंदर आपको जो भ्रम है मैं उस भ्रम का भी निपटारा करना चाहता हूं। महोदय अभी पूरे राज्य के अंदर 43 प्रोजेक्ट ऐसे हैं महोदय जो 200 करोड़ से अधिक है, उन सभी प्रोजेक्टों का नाम गिराने का कोई उचित नहीं महोदय। अगर बहस होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा आप लगाइए तो मैं तैयार हूं इसके लिए, मेरे पास पूरे कागजात तो मैं लेकर आया हूं, क्योंकि आप पासीमान मंत्री रहे हैं, अच्छा। क्योंकि आपके जमाने में कभी 200 करोड़ का काम होता ही नहीं था, 100 करोड़ भी नहीं होता था, 50 करोड़ भी नहीं होता था, इसीलिए मैं कर रहा हूं, इसीलिए मैं कर रहा हूं कि चूंकि आपको उसका आइडिया नहीं होगा, लेकिन अगर आइडिया होगा मैं जानबूझ के आप करना चाहते होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपसे, बदल गया है जमाना, ये एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में अब वो सिस्टम नहीं है जो सिस्टम उस समय लागू होता था, पूरा परिवर्तन हो गया है। जितने बड़े प्रोजेक्ट है महोदय उसके पूरे सिस्टम बदल गए और महोदय हर बड़े प्रोजेक्ट में अलग से अथॉरिटी इंजीनियर होता है महोदय, कहीं इंडिपेंडेंट इंजीनियर होता है महोदय, सुपरविजन कंसल्टेंट होता है महोदय, हर स्तर पर सुपरविजन की व्यवस्था है। और ये जो होते हैं महोदय अथॉरिटी इंजीनियर, सुपरविजन कंसल्टेंट, इंडिपेंडेंट इंजीनियर, जो कोई प्रोजेक्ट जब आता है तो उस प्रोजेक्ट में हर स्तर पर उसकी जांच की जाती है। मैं विस्तार से बताना चाहता हूं, मैं जरूर कहना, उपरोक्त सभी कामों में जो इतने काम किए जाते हैं, रिक्वेस्ट ऑफ फॉर इंस्पेक्शन निर्गत करता है जो संवेदक जो करता है, संवेदक बताता है कि साहब हम काम ये करना चाहते हैं, इंस्पेक्शन करिए, इंस्पेक्शन के बाद मुझे कौन कौन कार्य किए जाएंगे विहित प्रपत्र भर कर दिया जाता है, उसके अनुसार पर्यवेक्षण परामर्शी अपने टीम से संबंधित अभियंता को उक्त कार्य की जांच एवं प्रस्तुति निर्देशित करते हैं।
सर्वेक्षण परामर्शी का दायित्व तो है कि सभी काम की नापी करके सभी जांच से संतुष्ट होने के उपरांत हर एक पाइप पर हस्ताक्षर अंकित करता है और संवेदक को निर्देश जारी करता है सुधार करने के लिए कोई गड़बड़ होता है। सुधार होने के बाद आरएफ पाई को सुरक्षित रखा जाता है जिसका इस्तेमाल भुगतान हेतु विपत्ति गठित करते वक्त किया जाता है। महोदय निर्माण सामग्री उपकृत कार्य की गुणवत्ता की जांच हेतु भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो निर्धारित मापदंड है महोदय वो त्रिस्तरीय जांच की व्यवस्था है। सर्वप्रथम संवेदक द्वारा सामग्री की जांच की जाती है, उसके बाद पर्यवेक्षण परामर्शी द्वारा साइट पर एवं प्रयोगशाला में गुणवत्ता की जांच की जाती है। इस कारण तो निमित्त सड़क पुल का डिस्ट्रक्टिव एवं नॉन डिस्ट्रक्टिव जांच किया जाता है। समय समय पर थर्ड पार्टी जांच हेतु मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं या अभियंत्रण महाविद्यालय में नमूना भेजा जाता है और संवेदक के विपत्र भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जांच से संबंधित सभी प्रक्रिया पूर्ण करके आश्वस्त होने के बाद ही अग्रतर कार्रवाई की जाती है। तो ये जो आपके मन के अंदर आशंका है जो पहले होता था कि मान लीजिए कोई सड़क बन रही है और टाइम पास हो गया, भैया बोले दीजिए प्लीज, गंभीर विषय है समझिए, बेचारे को उनके समय में नहीं होता था, जानना चाहते हैं जानना चाहिए सबको, पूरे सदन को जानना चाहिए। महोदय मैं आपसे कह रहा था ये कि जो सिस्टम अभी है बड़े प्रोजेक्ट उस और जो इनके मन के अंदर आशंका, मैं इनकी आशंका को दूर करना चाहता हूं, वो अब उस सिस्टम एफ टू वाला सिस्टम खत्म हो गया। आपके समय में जो सिस्टम था महोदय, इनके जमा सिस्टम था एफ टू एग्रीमेंट वाला, अब सब कहा है, अब तो बिल्कुल अलग प्रकार के सिस्टम लागू हो गए और इसमें वो जो आप कह रहे हैं रिवाइज की चक्कर वो नहीं है। अगर किसी प्रोजेक्ट में समय ज्यादा लग जाता है कभी कभी तो दो कारण होते हैं, एक तो कारण होता है समय पर हम जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाते हैं, हमारा दोष होता है तब फिर रिवाइज की बात आती है। दूसरा कारण होता है महोदय कभी कभी कंपनी के पास पैसे की कमी हो जाती है तो फिर उसके अलग कारण है, अलग उसकी निपटारा होता है। लेकिन सभी स्थितियों में निर्माण में गुणवत्ता शिक्षा कोई समझौता करने की कोई गुंजाइश आज के सिस्टम में नहीं है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं अपना संकल्प वापस ले। आप पूछेगा तो और बोलेंगे। मैंने ठीक है ठीक है। महोदय इन्होंने विस्तार से कहा आपके समय में इनके समय में, अरे आपके समय इनके समय का सवाल हमने पूछा है, हमने 5 साल का ही लाया है प्रस्ताव। खैर अब महोदय अब चूंकि इन्होंने विस्तार से कह दिया, मैं अभी और है नहीं, हाँ ठीक और बोलिएगा, हाउस अगर सहमत है तो और बोलिएगा। अरे संकल्प मगर कहा कि सांच को आंच किया, ठीक है, हमारा मकसद इतना ही था कि जो राशि मूल प्राकलन में है वो 5 साल 7 साल होने के बाद वो बोझ पड़ता है आप पर, विभाग पर, बिहार पर, और आप कहिएगा तो 10 नहीं हम भी 50 योजना। अब आप ले लीजिए रजौली वाला मामला का क्या था, मोहनिया वाला मामला का क्या था। अब इन सारी चीजों का हम उल्लेख नहीं करना चाहते, पर कम से अगर आप नहीं ठीक है तैयार है आप जवाब, तो मैं कहूँ मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सब आपका जवाब दे सकता हूँ। महोदय महोदय कम से कम ये इतनी ही सूची सदन को उपलब्ध करा दे कि 200 करोड़ से ऊपर वाली ये योजनाएं हैं, इसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं है तो हम वापस ले लेंगे, नहीं तो हम कहे वापस लेंगे। ये सरकारी संकल्प है महोदय। महोदय अभी इन्होंने रजौली बख्तियारपुर की चर्चा की और आराम होने की चर्चा की, मैं बता देता है ना क्या दिक्कत है, कठिनाई क्या है। रजौली ये आराम होने की चर्चा आप कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्टर बदमाशी किया था माननीय मंत्री जी, ये अनावश्यक है या वोटिंग कर महोदय, जवाब तो सुनना ही पड़ेगा महोदय। और उसमें इनके जो बगल में बैठते थे वही मंत्री थे महोदय, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए सुनिए ना, पूरी बात सुनिए आपकी जानकारी के लिए, ए बैठिए माननीय मंत्री, आपकी जानकारी के लिए कॉन्ट्रेक्टर कोर्ट गया, 500 का क्लेम किया, केवल 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 1 रुपया 1 करोड़ केवल उसका निकल रहा है। आप हमारी सफलता है, ये हमारे जो हमारे काम करने का तौर तरीका है उसकी सफलता है। संकल्प वापस लेना चाहते हैं आप माननीय मंत्री, आप चूंकि वित्त मंत्री भी है यहाँ, मैं भी वित्त मंत्री रहा हूँ, और इन्होंने कहा कि फलाना के टाइम पे, अरे बेटे सांच को आंच क्या,
वित्त मंत्री कम से कम वो फाइल मंगा के मोहनिया वाला और रजौली वाला देख ले। और दूसरी बात, बहुत सारी कंपनियां हैं जो काम ठक के हुई है और काम नहीं कर रही है, मगर आप कम से कम इतने ही कह देते कि भाई केंद्रीय सतर्कता आयोग से कराने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार करती है, और अगर सदन चाहता है तो इन योजनाओं का डिटेल हम सदन के पटल पर रख दें। अगर ये महोदय आप उनको बोलने की अनुमति देंगे तो जवाब सुनना ही पड़ेगा। महोदय आप अगर उनको अनुमति देंगे तो मेरा जवाब सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ बोल दे और आप कहिए वोटिंग करा दो, मेरा जवाब सुनिए उसका वोटिंग कराइए। संकल्प वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट नहीं, नहीं लेना चाहते हूँ महोदय। इनको तो राजनीति करनी है, इनको इससे मतलब क्या है, इनको इससे मतलब क्या है महोदय? जब मैं विस्तार से बता रहा हूँ कि हर बड़े प्रोजेक्ट में जांच का क्या सिस्टम है, मैंने यह भी कहा है कि निगरानी से हम जांच करा सकते हैं, हमने ये भी कहा है कि हर स्तर में जांच कराते हैं, और मैंने यह भी कहा है कि सीबीसी से जांच का प्रोविजन ही नहीं है, मैंडेट नहीं है उसको महोदय। उसके बाद ही नया प्रश्न खड़ा करना चाहते हैं, नया प्रश्न जवाब तो सुनना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आप इसमें राजनीति की बात छोड़ दीजिए और भरोसा करिए इस एनडीए की सरकार पे, पूरी विनम्रता के साथ राज के खजाने के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले हैं, योजनाओं को पूरा करेंगे। इसलिए मैं आग्रह करता हूं आपसे, कृपया अपना प्रस्ताव वापस ले लें। यदि यदि महोदय यदि माननीय मंत्री यह सहमत है कि अपनी निगरानी से जांच करा करके उसका प्रतिवेदन सदन के पटल पे रखेंगे तो हम वापस लेते हैं। और अगर हर स्टेज पे जांच होती है उसकी, मैं कह रहा हूँ हर स्टेज पे जांच होती है। मैं बात करना चाहते हैं महोदय, एक बार फिकर है किसी बात की कोई लिखित शिकायत करे मैं जांच कराऊंगा। मैं प्रस्ताव वापस नहीं लेता हूँ, वोटिंग के रही वही तो जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूँ कि ना के पक्ष में बहुमत है ना के पक्ष में, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है। मैं फिर दोहराता हूँ, जो हाँ के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो ना के पक्ष में हो ना कहे। मैं समझता हूँ कि ना के पक्ष में बहुमत है, ना के पक्ष में बहुमत। मैं कहता हूँ कि हाँ के पक्ष में बहुमत है, आचरण से कराइए इस पे, हाँ के पक्ष में बहुमत है। बेल बजाइए, बेल बजा दीजिए। अरे हम मदद कर रहे हैं। अरे भाई बुरा हाल नहीं है, वो अपने नेता को फंसाने के चक्कर में लगे हुए, चक्कर को अपने नेता को फंसाना चाहते महोदय। आरजेडी का अंदरूनी झगड़ा है भाई, कहां चक्कर में आप, इनका आपस का झगड़ा है चक्कर में। अरे तो वही झगड़ा, आपस का झगड़ा है, लोग कहा है तब और मुख्य आपने बताया।
चलिए बंद कीजिए, बंद कीजिए। इस प्रस्ताव को पुनः एक बार मैं लेता हूं, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वो हां कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं प्रस्ताव के हां के पक्ष में है, हां के पक्ष में, जो हां के पक्ष में वो खड़े हो जाए। अब जो ना के पक्ष में है वो खड़े हो जाए। देखिए मोदी जी नहीं है, मोदी जी नहीं खड़े हो रहे हैं, मोदी जी आपके पक्ष में नहीं, आपकी बात मान गए, आपके पक्ष में है। अरे हम लोग ना खड़ा होने करके आपको खड़ा होने लायक भी नहीं रखेंगे, कहाँ है आप? पक्ष में 52 और ना के पक्ष में 69, हां के पक्ष में 52 52, ना के पक्ष में 69 जी। ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ,
माननीय सदस्य आगे प्रस्ताव आगे संसद नहीं है। अब माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ सिंह जी प्रसाद जी, शांति शांति। श्री सभापति माननीय सदस्य श्री प्रभु सभापति महोदय प्रसाद जी, सभापति महोदय, सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि आरा भोजपुर जिला के अग्नियार प्रखंड के अंतर्गत दिलिया पंचायत के ग्राम दिलिया से पश्चिम बड़ी नहर में पुल का निर्माण कराने मानी ग्रामीण कार्य मंत्री महोदय, वस्तु स्थिति है कि विस्थापित पुल के पूरा तरफ दिलिया बसावट है, जिसे पीएमजीएसवाई अंतर्गत निर्मित पथ लसाड़ी से गोरपा सिवाना पथ से संपर्कता प्रदत्त है। पुल के पश्चिम तरफ बिकमपुर टोला है, जिसे मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत निर्माणाधीन पथ दिलिया लक्ष से बिकमपुर तक पथ से संपर्कता हो जाएगी। अविस्थापित पुल असल नहर पर है, जो जल संसाधन विभाग के अस्तित्व में है। इसके दोनों तरफ के बसावटों को एकल संपर्कता देने की कार्रवाई की जा चुकी है। तो इस नहर का पुल निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है। वर्णित परिस्थिति में मान्य सदस्य अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे। प्रस्ताव वापस लीजिए। प्रस्ताव वापस लीजिए। अपना प्रस्ताव वापस लिया। अब माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी, मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि भागलपुर शहर में स्थित NH-80 नाथनगर से घंटाघर के बीच, घंटाघर से भागलपुर स्टेशन होते हुए तेतारपुर तक फ्लाईओवर का निर्माण करावे। माननीय मंत्री पथ निर्माण महोदय, भागलपुर स्थित बाईपास का निर्माण पूर्ण कर जून 2019 में वाहनों का परिचालन प्रारंभ होने के उपरांत NH-80 में चंपानाला होते हुए भागलपुर स्टेशन शहरी भाग से यातायात का दबाव कम हुआ है। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 80 में घोरघाट से मिर्जा चौकी तक के 10 मीटर चौड़ीकरण का कार्य भी प्रस्तावित है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है अपना संकल्प वापस ले लें। चलिए अजीत शर्मा जी वापस लीजिए। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ, बाईपास से जो ट्रकें चलती है वो जा रही है, लेकिन ये शहर वापस कीजिए। सर वापस नहीं ले सकते सर, भले एक बात तो कर ले दीजिए सर। सर ये मंत्री महोदय से आग्रह है कि वो खुद जांच करवा ले पदाधिकारियों से, वहां पे जाम की स्थिति बनी रहती है, स्कूल कॉलेज है वहां पे, बच्चे समय पर स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं और जाम इतना रहता है कि वो समय पर नहीं पहुंचते। इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं इस पर जांच करवा के इसे फ्लाईओवर का निर्माण कराने का, तेतारपुर से घंटाघर तक निश्चित कराने काम करें। संकल्प वापस लीजिए। मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं। माननीय सदस्य संकल्प वापस लिया। माननीय सदस्य श्री प्रहलाद यादव, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अनुस्ताव करती है कि वह लखीसराय जिला के 28 पंचायत वाले सुजगरा प्रखंड में एक महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना करें। माननीय शिक्षा मंत्री। सभापति महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार के वर्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय है जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है। सुजगरा प्रखंड लखीसराय जिला के लखीसराय अनुमंडल के क्षेत्र अंतर्गत है, जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय के रूप में KSS कॉलेज लखीसराय संचालित है। जिन प्रखंडों में कोई भी महाविद्यालय संचालित नहीं है वहां नालंदा खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से अध्ययन केंद्र की स्थापना की जा रही है। अतः संप्रति सुजगरा प्रखंड के सुजगरा प्रखंड में महिला डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है आपको वापस लेने की कृपा करें। बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है, माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भविष्य में भी तो कह दीजिए कि भविष्य में हम इस पर विचार करेंगे, इतना भी तो बोल दीजिए।
अगर इतना बोल दीजिएगा तो वापस ले लेंगे और नहीं बोलिएगा तो वापस नहीं लेंगे। तो अभी तो मैंने कहा कि उसकी व्यवस्था की जा रही है, हो गया। नालंदा खुला विश्वविद्यालय ने कार्रवाई की जा रही है। जहाँ की बात कर रहा हूँ, सुजगरा की बात कर रहा हूँ, मानिए बोल रही है, ये दूसरा चीज बोल रहे हैं, वो चीज बोल देता हजूर, ये धमकी दे रहे हैं जैसे सिद्दीकी साहब दे रहे थे, तभी तो सिद्दीकी साहब का हो गया। चलिए वापस गिनती में हार गए, अभी इनको हारना बाकी है, हार आएंगे। अब भविष्य के लिए माननीय मंत्री जी इतना तो बोल दें कि भविष्य में वापस हम विचार करेंगे। नहीं चाहते वापस, ठीक है ठीक, वापस लिया। सदन की सहमति से माननीय सदस्य ने अपना संकल्प वापस लिया। माननीय सरासरी अमित कुमार जी, अमित कुमार जी कोई राज्य, हाँ बैठिए, आपका कोई अधिकृत नहीं है। माननीय सदस्य श्री महबूब आलम जी, उनका पढ़ेंगे माननीय सदस्य श्री सुधीर कुमार। यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अंतर्गत बारसे बलरामपुर प्रखंड के मौलानापुर खुरादार बिलवाडांगी भीमियाल फतेहपुर होते हुए NH 34 तक जाने वाले ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क को खुराधार गांव के धार पर पुल निर्माण कराते हुए पथ निर्माण विभाग की सड़क में परिवर्तित करें। माननीय पथ निर्माण मंत्री महोदय, पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर अधिग्रहण की नई नीति का गठन प्रक्रियाधीन है। नई पथ अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद समीक्षा उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। अतः माननीय से अनुरोध है अपना संकल्प वापस लें। संकल्प वापस लीजिए, अपना वापस लेता। चलिए सदन की सहमति से माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लीजिए। माननीय सदस्य श्री व्यासदेव प्रसाद जी, व्यासदेव प्रसाद जी माननीय सदस्य अनुपस्थित। माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार मेहता जी, निरंजन कुमार मेहता जी, हाँ निरंजन कुमार मेहता। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्यसभा से अविस्ताव करती है कि वह उदा किशनगंज अनुमंडल में मक्का की खेती की प्रधानता एवं बहुलता को देखते हुए उदा किशनगंज अनुमंडल अंतर्गत मक्का आधारित उद्योग एवं खाद प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना करावे। माननीय उद्योग मंत्री महोदय, राज्य सरकार के द्वारा कोई इकाई की स्थापना स्वयं नहीं की जाती है। राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार के उद्योग स्थापित करने की कोई योजना भी वर्तमान विचाराधीन नहीं है। निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा यदि इकाई लगाई जाती है तो सरकार द्वारा प्रावधान के तहत सहायता दी जाती है, अतः निजी उद्यमियों को आगे आने की आवश्यकता है। राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए 1/9/16 के प्रभाव से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 अधिसूचित की गई है। इस नीति के तहत खाद प्रसंस्करण क्षेत्र के अंतर्गत मक्का आधारित उद्योग जिसमें स्टार्च एवं मवेशी पोल्ट्री फीड निर्माण इकाई स्थापित है, 100 टन प्रतिदिन के अधिक उत्पादन क्षमता वाली इकाई की प्राथमिकता में तथा प्लांट एवं मशीनरी के मद में 5 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी निवेश करने वाली इकाई को उच्च प्राथमिकता में रखा गया है। निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई है। मधेपुरा जिला मक्का आधारित उद्योग लगाने की कोई भी निवेश प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसके पड़ोसी जिला भागलपुर जिला में बेकरी उत्पाद की इकाई बैग क्लब फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की स्टेज 1 की क्लियरेंस दिया गया है। खगड़िया जिला के मानसी में मेसा प्रिस्टाइन मेगा फूड पार्क लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के द्वारा 2 मीट्रिक टन प्रति घंटा उत्पादन क्षमता का पोल्ट्री फीड निर्माण इकाई निर्माणाधीन है। अच्छा, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ वापस लीजिए, वापस ले लें। माननीय सभापति महोदय, बहुत ही किसान के हित की बात है, मैं केवल अनुरोध रख लिया माननीय, एक लाइन अनुरोध मेरा सुना जाए। इस वर्ष इस साल जो है हम लोग का मक्का का इलाका है मधेपुरा जिला, मैं तो उदा किशनगंज मंडल का बात रखा हूँ, लेकिन एक सेकेंड सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा किसान हित की बात, किसान खुश तो सरकार खुश, किसान जो चाहेगा वही होता है, और किसान को खुश रखिए माननीय सभापति महोदय,
इस बार 1450 से मक्का का दाम जो है बाजार में खरीद हुआ है तो किसान 1800 तक गया है, और किसान का खुशी इस बार देखे है ना, मक्का का जो दाम 1800 तक गया है तो किसान गनगन है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि पूरा डिटेल उला के एक मिनट महोदय सबका विचार सुनिए, मेरा भी सुनिए, हम भी किसान है और सब लोग माननीय सदस्य किसाने हैं। 1800 तक जो मक्का का बिक्री हुआ है तो किसान में इतना खुशी व्याप्त है, इसलिए हम चाहेंगे सरकार से निवेदन करेंगे उदा किशनगंज अनुमंडल में बिहार सरकार का जमीन है और जिला खुश हो जाएगा, एगो जो यह कारखाना लग जाएगा। तो मैं आप अपना संकल्प अनुरोध करते हुए मैं अपना संकल्प वापस लेता। सहमति से माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लिया। माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खान है कि वो बिहार राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में उर्दू भाषा के अनुवादक लिपिक कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति करावे। मंत्रिमंडल सचिवालय माननीय मंत्री गौर से सुनिएगा, शकील साहब गौर से सुनिएगा। महोदय, उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन राज्य के प्राय सभी कार्यालयों यथा राजभवन, मुख्यमंत्री सचिवालय, सचिवालय स्थित सभी विभागों, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार राज्य सूचना आयोग, बिहार मानवाधिकार आयोग, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, बिहार राज्य श्रमिक आयोग, आईजी कार्यालय, डीआईजी कार्यालय, एसपी कार्यालय, एसडीपीओ कार्यालय, सभी थानों में, सभी समाहरणालयों में, सभी अनुमंडल कार्यालयों में जिला अनुवादक पदाधिकारी, वरीय उर्दू अनुवादक, उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक के पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा प्राय कार्यालयों में उर्दू कर्मी पदस्थापित है तथा उर्दू संबंधी कार्य कर रहे हैं। रिक्त पद पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए समान प्रशासन विभाग द्वारा अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग पटना को भेजा जा चुका है, जो आयोग के समक्ष चयन नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर नियुक्ति कर ली जाएगी। चलिए मेरी बात भी, मेरी बात भी बहुत गौर से सुनी जाए, और इसको मैं शेर के माध्यम से कहता हूँ जो मुख्यमंत्री जी को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, मुझे पता है। कलीम आजिज का शेर है ये, न दामन पर कोई छींटे न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करोगे करामात करो। एनालॉजिकली मैं बता रहा हूं, मैं खुद अपनी चिट्ठियां कई बार उर्दू रस्मुल खत में लिखा करता हूं मंत्रालय को और वजीर आला साहब को भी, और वहां से मुझे उर्दू रस्मुल खत में आज तक कोई जवाब नहीं आया है। और इसीलिए मैं सवाल करता हूं बारह, मैं जानता हूं कि कैबिनेट की मीटिंग में कई बार यह फैसला हुआ है कि उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली जल्द से जल्द कर दी जाएगी, और इसी तरह का टिका हुआ आंसर पिछले सेशन में भी दो बार मुझे मिल चुका है। तो इसलिए यह बता दें कि 6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ट्रांसलेटर की बहाली हो जाएगी, और मेरे जैसे एमएलए के उर्दू स्क्रिप्ट में लिखे हुए खत का जवाब उर्दू में आ जाएगा। ये मुझे जवाब दे दिया जाए, ये जवाब मिल जाएगा तो मैं उसका वापस कर लूंगा। महोदय, मैंने कहा, लगता है कि मैंने इसलिए पहले भी कहा कि माननीय सदस्य गौर से सुनिएगा, ये कांग्रेस के सदस्य हैं, लंबे समय तक राज किए हैं, इसलिए मैंने कहा गौर से सुनिएगा। सभी पद सृजित किए गए हैं, सब सृजित हो गए हैं सारे पद। एक मिनट, चयन आयोग को जा चुकी है नियुक्ति के लिए, नियुक्ति की कार्रवाई जल्द ही पूरी की जाएगी। चलिए आप संकल्प वापस लीजिए। वो कब तक पूरी की जाएगी? और 1983 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उर्दू दूसरी सरकारी जबान बनी थी, ये मुझे मालूम है। मैं सिर्फ कांग्रेस के 83 में बनी थी, मुझे पता है। मैं अब इसका वापस लेता हूँ, मैं अपना वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य को ये पता होना चाहिए कि चयन की प्रक्रिया लंबी होती है। आयोग आवेदन देगा, हो गया, उसकी संपूर्ण परीक्षा होगी, हो या अन्य कार्रवाई होगी, तो समय तो लगेगा जल्द से जल्द पूरा करने का
कहा रिक्वेस्ट किया गया है कि जल्द से जल्द पूरा सदन के सहमति मान्य सदस्य अपना संकल्प वापस लिया। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र कुमार जी समीर कुमार माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी उनके बदले में पड़े। सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अविस्तार करती है कि वह राज्य के चिकित्सीय शैक्षणिक समान सेवाओं में समानता लाने हेतु प्राध्यापकों एवं चिकित्सकों के स्वरूप राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति को 65 वर्ष निर्धारित करें। महोदय बिहार वासियों के लिए औसत आयु बढ़ी है, केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में भी इसका जिक्र है। बहुत मामले में बिहार ने ऐसा कदम उठाया है और जो देश में पहला कदम हुआ है, मैं यह मांग करता हूं कि इस मामले में भी बिहार देश को दिशा देने का काम करे और प्रथम रखकर प्रदाताओं चिकित्सकों के समरूप राज्य सरकार को भी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित। माननीय वित्त मंत्री महोदय, वित्त विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1989 दिनांक 29/6/2006 के द्वारा सरकारी सेवक के अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि 60 वर्ष निर्धारित है। दो, राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मियों को केंद्रीय कर्मियों की भांति दिनांक 1/1/1996 से अपने सेवी वर्ग को केंद्रीय सेवा शर्तों एवं सुविधाओं देने हेतु सैद्धांतिक रूप से सहमत है। बिहार सरकार के सरकारी कर्मी के सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है जो केंद्र के अनुरूप है। केंद्र सरकार में कर्मियों के सेवानिवृत्ति की उम्र को 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने संबंधी निर्णय की सूचना प्राप्त नहीं है। सामान्यतः बिहार सरकार केंद्र सरकार के अनुरूपी केंद्रीय प्रावधान को अंगीकार करती है। फलतः माननीय सदस्य द्वारा लाए गए सरकारी संकल्प के समरूप कोई भी प्रस्ताव न तो पूर्व से विचाराधीन है और न ही लंबित है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार के वीडियो नंबर इतना इतना दिनांक 14/6/2010 के आलोक में केंद्रीय निर्णय को अंगीकृत करते हुए स्वास्थ्य सेवा के शिक्षकों चिकित्सकों की उम्र सीमा 65 वर्ष तक बढ़ाई गई है। राज्य सरकार सेवा शर्तों के मामले में केंद्र सरकार के प्रावधानों को अपने राज्य की स्थिति में अंगीकृत करती है। भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। अध्यक्ष महोदय, राज्य केंद्र के अनुरूप हम यहाँ निर्णय करते हैं। केंद्र जिस दिन निर्णय लेगा उसी दिन बिहार सरकार भी उसके अनुरूप निर्णय लेगी। तो संकल्प वापस लिया। वापस सदन की सहमति से माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लिया। माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार जी सभा राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अंतर्गत SH-77 नरहिया से सलमपुर समेली NH-31 हॉस्पिटल चौक से होते हुए मधेली से कटिहार NHAI तक जर्जर PWD पथ को शीघ्र पुनर्निर्माण करावे। माननीय पथ निर्माण मंत्री जी। महोदय, कई सवाल प्रश्न में भी आ जाता है, संकल्प में भी आ जाता है, इसका तो जवाब अभी हम लोगों ने बुधवार को दिया था। महोदय, विसंकित विभागीय पथ SH-77 नरहिया के नजदीक से समेली गांव होकर NH-31 क्रॉस कर मधेली बराड़ी होते हुए रोनिया शरीफगंज तक का पथ वित्तीय वर्ष 19-20 में RIDF में प्रस्तावित है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध अपना संकल्प वापस ले। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, प्रस्ताव वापस लेते। सदन की सहमति से माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लिया। श्रीमती सावित्री देवी जी महोदय, मैं यह राज्य सरकार से विस्तार करती हूँ कि वह चकायत विधानसभा क्षेत्र के श्रवण बक्सीला पथ में अवस्थित दथुरिया नदी पर पुल का निर्माण यथाशीघ्र करावे। माननीय पथ निर्माण मंत्री। महोदय, संकल्पाधीन स्थल पर पुल निर्माण कार्य संवेदक को आवंटित है, लेकिन वन भूमि अभियोजन हेतु राशि भी वन विभाग को उपलब्ध करा दी गई। वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरांत कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है अपना संकल्प वापस लीजिए। आप संकल्प वापस लीजिए अपना संकल्प वापस लीजिए। माननीय सदस्य ने अपना संकल्प वापस लिया। माननीय सदस्य श्रीमती गुलजार देवी जी महोदय, हम प्रस्ताव करता है सरकार से विस्तार है
मधुबनी जिला अंतर्गत एनएच 57 लोकी प्रखंड फुलपरास प्रखंड घोंडिया प्रखंड से 22 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बने हुए है आई पथ निर्माण में शामिल करें। चलिए माननीय पथ निर्माण मंत्री जी। महोदय, पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर पथ अधिग्रहण की नई नीति का गठन प्रक्रिया अधीन है। नई पथ अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद समीक्षा उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है अपना संकल्प वापस ले लें। संकल्प वापस वापस लेते हैं। माननीय सदस्य ने सदन की सहमति से अपना संकल्प वापस लिया। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार जी, क्षेत्र संख्या 132। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के वारिसनगर प्रखंड के नागरवस्ती के राजघाट में बूढ़ी गंडक नदी पर जनहित में आरसीसी पुल का निर्माण करावे। ग्रामीण कार्य मंत्री। माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री। सभापति महोदय, विभाग बदल गया क्या? हाँ, अविस्तावित पूर्व स्थल के बाएं तरफ अवस्थित बसावट नागरवस्ती को एमजीएसवाई पथ के संपर्कता प्राप्त है। ये दाएं तरफ अवस्थित बसावट हकीमाबाद को भी पक्की सड़क से संपर्कता प्राप्त है। पुल स्थल राजकोट नेटवर्क के किसी भी स्वीकृत आरेखन पर नहीं है। पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 400 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर पुल पूर्व से निर्मित है। इस स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है उक्त संकल्प को वापस लेने का कष्ट करें। अशोक जी, अपना संकल्प वापस लीजिए। ले लिया। सदन के सहमति से माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लिया। श्रीमती बेबी कुमारी जी। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से अभिशाप करती है कि वह मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा के पूर्ण निर्माण एवं परिचालन हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करे। माननीय मंत्री मंत्र सचिवालय। महोदय, मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार के अधीन है। उक्त हवाई अड्डे को क्षेत्रीय संपर्कता योजना आरसीएस के अंतर्गत विकसित करने हेतु भारत विमानपत्तनम प्राधिकरण को अनुरोध किया गया है। क्षेत्रीय संपर्कता योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में बीडिंग हेतु पटना मुजफ्फरपुर भागलपुर देवघर पटना को माइल मार्ग से जोड़ने हेतु पत्रांक 267 दिनांक 3/11/17 के द्वारा नगर विमानन मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। चलिए, आप अपना संकल्प वापस लीजिए। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। अपना माननीय सदस्य संकल्प वापस लिया। अब माननीय सदस्य श्री आनंद शंकर का पूछेंगे। माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार जी। सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला अंतर्गत औरंगाबाद प्रखंड के फेसर पचरुखिया पथ पर रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण के लिए केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय से सिफारिश करे। माननीय परिवहन मंत्री। महोदय, औरंगाबाद जिला अंतर्गत औरंगाबाद प्रखंड के फेसर पचरुखिया पथ पर रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जनोपयोगी पाया गया एवं रेलवे ओवरब्रिज की आवश्यकता पाई गई। रेलवे ओवरब्रिज के लिए सरकारी भूमि भी उपलब्ध है। अतः औरंगाबाद जिला अंतर्गत औरंगाबाद प्रखंड के फेसर पचरुखिया पथ पर रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हेतु राज्य सरकार केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय से अनुरोध करेगी। आपका तो आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीकृत हो गया आपका। माननीय सदस्य श्री अवधेश सिंह जी। प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह हाजीपुर नगर के विभिन्न पथों यथा स्टेशन रोड, अस्पताल रोड, गुदरी रोड, कचहरी रोड, सिनेमा रोड, सुभाष चौक को अतिक्रमण मुक्त करावे। माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री। महोदय, नगर परिषद हाजीपुर द्वारा जिला एवं अनुमंडल प्रशासन से समन्वय स्थापित कर अनुमंडल स्तर पर प्रतिनियुक्ति
नियुक्त दंडाधिकारी के नेतृत्व में संकल्प में वर्णित पथों का अतिक्रमण हटाया जाता है। नगर परिषद हाजीपुर से अनुरोध पर अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर के आदेश ज्ञापन 205 दिनांक 12/3/15 1176 दिनांक 1/8/17 1415 दिनांक 22/9/17 1461 दिनांक 23/9/17 1703 दिनांक 22/11/17 155 दिनांक 6/2/18 392 दिनांक 26/3/2018 425 दिनांक 31/3/18 887 दिनांक 6/8/2018 द्वारा प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी के नेतृत्व में सड़कों से अतिक्रमण हटाया गया है, परंतु अतिक्रमणकारियों द्वारा इसके अलावा 93,793,700 रुपया दंड भी वसूली की गई है। पुनः अभियान चलाने हेतु नगर परिषद हाजीपुर को पत्रांक 154 दिनांक 16/7/2019 द्वारा दंडाधिकारी एवं पुलिस प्रतिनियुक्ति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर को पत्र दिया गया है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लिया महोदय पूरा चिट्ठी पर पूरा अनुरोध किया गया, दर्जनों बार अनुरोध किया गया, वहां से रिपोर्ट आ रहा है। चूंकि जिला मुख्यालय है महोदय, जिला मुख्यालय है, सदर हॉस्पिटल में जुड़ा हुआ नहीं होता, सदर हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल है, जाम रहने के कारण एम्बुलेंस फंस जाती है, वाहन रोगी वाहन फंस जाते हैं। सरकार को कोई नीति स्पष्ट बनानी चाहिए शहर को अतिक्रमण से मुक्त करने का। मैं आग्रह करते हुए अपना संकल्प वापस लेता हूँ। चलिए माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लिया। माननीय सदस्य श्री अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव जी। महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ, यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण करवावे। मंत्रिमंडल सचिवालय माननीय मंत्री। चलिए अत्रि मुनि जी धन्यवाद के पात्र हैं, कम से कम दल से ऊपर तो सोच बड़ी पटना। नहीं नहीं नालंदा कह रहे हैं लेकिन कलेक्टर वो नहीं है, आज कम से कम दिखाई पड़ रहा है। अच्छा आप प्रोफेसर हैं, अगर संकल्प में आप लगे क्वेश्चन करने की, कहां से सीख लिए? नियावली तो पढ़ते नहीं है। महोदय पटना हवाई अड्डे के अतिरिक्त बीटा में भारतीय वायुसेना का बीटा सैन्य हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण भारतीय विमान पट्टनम प्राधिकार भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि अपना संकल्प वापस। संकल्प महोदय वापस तो ले ही लिया जाएगा, लेकिन चूंकि माननीय मंत्री महोदय सुन तो लीजिए, वापस ले लिया था। माननीय मंत्री जी भी जानते हैं राजगीर के महत्व को, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उसका एक अलग स्थान है महोदय, और जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हैं वो जब आते हैं तो पटना उतर करके तब बाई रूट जाते हैं महोदय, और ऐसे कई ऐसी परिस्थितियां हुई है जब देश के बड़े जो नामी लोग जिनको जाना पड़ता है उसके लिए हवाई अड्डे का वहां नहीं है महोदय पक्का हवाई अड्डा। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि माननीय महोदय उसकी वैलिडिटी उसकी नेसेसिटी को कोई इनकार नहीं कर सकते, उस जगह की जो महत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, बैठ जाइए। परंतु हमारी सरकार बोलती कम है करती ज्यादा है, जब मामले आगे बढ़ेंगे विचार विमर्श का क्रम चल रहा है तो फिर माननीय सदस्य को बताया जाएगा। अभी माननीय कोई इस आशय के साथ कि आपने सकारात्मक रुख अख्तियार करने का निर्णय लिया है तो मैं अपना वापस लेता हूँ। पहले ही ले लिया था। माननीय सदस्य शंभुनाथ यादव जी अनुपस्थित। माननीय सदस्य श्री विजय कुमार मंडल जी। सभा से राज्य सरकार से अविस्तार करते हैं कि यह अररिया जिला अंतर्गत पलासी प्रखंड के रतवा नदी के कुढ़ली घाट पर पुल का निर्माण करावे। माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री। सभापति महोदय वस्तु स्थिति यह है कि अविस्थापित पुल
रतवा नदी पर नहीं है बल्कि बकरा नदी पर अवस्थित है। अविस्थापित पुल अररिया जिला अंतर्गत पलासी प्रखंड के राज कोर नेटवर्क के क्रमांक 53 पर अंकित पैखा खुरी से कोढ़ौली कच्ची पथ के आरेखन पर अवस्थित है। इस पथ सहित अविस्थापित पुल के निर्माण हेतु सिर्फ MGSY योजना अंतर्गत सर्वे कराया जा रहा है, तदुपरांत अग्रतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने का कष्ट करें। चलिए माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले। मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ। धन्यवाद। सदन की सहमति से माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लिया। माननीय सदस्य श्री तारकेश्वर प्रसाद जी। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वह राज्य में अपराधियों द्वारा विशेष रूप से व्यवसायियों एवं उद्यमियों पर हमले, रंगदारी एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में आपराधिक घटनाओं को बेहतर तरीके से रोकने एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक अलग पुलिस बल का सरकार गठन करे। माननीय गृह मंत्री। माननीय मंत्री तो दरभंगा में कड़ाई की जाएगी, चिल्लाइएगा मत। चलिए महोदय, औद्योगिक नीति को सफल बनाए रखने, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपक्रम की सुरक्षा सुदृढ़ करने तथा राज्य में अपराधियों द्वारा विशेष रूप से व्यवसायियों एवं उद्यमों पर हमले, रंगदारी एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आपराधिक घटनाओं को बेहतर तरीके से रोकने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अनुरूप बिहार सैन्य पुलिस के अंतर्गत बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के 20-20 इकाइयों का 2 बटालियन का सृजन एवं उनके संचालन हेतु 2698 पदों का सृजन गृह विभाग बिहार पटना का ज्ञापन 8283 दिनांक 16/10/17 को के द्वारा की गई है। उक्त दोनों वाहनियों में प्रथम वाहनी का मुख्यालय बिहार सैन्य पुलिस 4 डुमरा एवं दूसरे वाहनी का मुख्यालय बेगूसराय परिसर में किया गया है। साथ ही थ्रेट आधारित मामलों में पुलिस अधीक्षकों से प्राप्त थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना का संकल्प संख्या 3663 दिनांक 2/5/17 में वर्णित प्रावधानों के तहत विशेष सुरक्षा समिति के स्तर से निर्णय लिया जाता है तथा सुरक्षा जिला स्तर से उपलब्ध कराई जाती है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि वो अपना संकल्प वापस ले, इसलिए कि जो उनके संकल्प का मकसद था वो मकसद सरकार पहले से ही कर रही है। चलिए माननीय सदस्य संकल्प वापस। माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा बेहतर कदम में इस आलोक में उठाए जाने के कारण सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपने प्रस्ताव को वापस लेते। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र कुमार सिंह पूछे, प्रस्ताव पढ़ेंगे समीर कुमार महासेठ जी। वो आ गए, चल पढ़िए वीरेंद्र कुमार। राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला अंतर्गत ओबरा प्रखंड के गैनी पंचायत के गैनी गांव और वरी गांव के मध्य में नाला अवस्थित है जिस पर पुल का निर्माण करावे। माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री। सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न में उल्लेखित ओबरा प्रखंड के गैनी गांव एवं अरी गांव PMGSY अंतर्गत निर्मित पथ NH 139 इस्लामपुर गैनी परिहार L42 पथ पर अवस्थित है। प्रश्नाधीन नाला पैन अरी गांव के आंतरिक पथ पर है जो किसी कोर नेटवर्क में नहीं है। इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अतः वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने का कष्ट करें। चलिए माननीय सभापति महोदय, आजादी के 70 साल के बाद भी जिस गांव को एक पुल नसीब नहीं हुआ है, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि ग्रामीणों के हित में एक पुल का निर्माण करावे। संकल्प वापस लीजिए।
मंत्री महोदय जी जवाब दे दें, मैं इस प्रस्ताव को वापस ले लूंगा। वापस लीजिए माननीय मंत्री, बोलिए करा देंगे, बोलिए संकल्प वापस लीजिए। मैं वापस ले लूंगा, लेकिन मंत्री जी का आश्वासन मिल जाए कि इसको करा दिया जाएगा तो मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूंगा। कोई पराधीन, कोई विचाराधीन नहीं है। सदन की सहमति से माननीय सदस्य संकल्प वापस लिया। हम वापस कहां लिए हैं महोदय? हम वापस प्रस्ताव को वापस नहीं लिया हूं महोदय, लेकिन मैं विनम्र निवेदन के साथ आग्रह करता हूं माननीय मंत्री जी से कि 70 साल के आजादी के बाद जिस गांव को एक पुल नसीब नहीं हुआ है, आवागमन गमन का साधन नहीं है, उसको आश्वासन दें कम से कम। अब श्रीमती पूनम देवी यादव महोदय, आपने शर्त के साथ वापस ले लिया है, चलिए मान्य अध्यक्ष महोदय, शर्त के साथ वापस। मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से अविस्तार करती है। महोदय, हमने बताया महोदय कि ये गांव का आंतरिक पथ है और आंतरिक पथ जो 7 निश्चय से बनता है महोदय, गांव के बाहर संपर्कता देना जो हम लोगों का काम है, वो संपर्कता गांव को मिल चुका है महोदय। अब मान्य सदस्य जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो गांव का आंतरिक पथ है महोदय। महोदय 7 निश्चय से है वो योजना होने लायक नहीं है महोदय, यह योजना करोड़ों रुपया का है। आप और मंत्री लिख से अलग से लिख के दे दीजिएगा, अभी दिया हुआ है महोदय, अभी वापस ले लीजिए। दिया हुआ है महोदय, रिजेक्ट हो जाएगा तो और गड़बड़ होगा ना, चलिए वापस ले लीजिए। मैं मंत्री महोदय से, अभी मंत्री महोदय से नहीं, सदन से वापस ले। ठीक है, वापस हुआ, वापस हुआ। पूनम देवी यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से अविस्तार करती है कि वह खगड़िया प्रखंड अंतर्गत रहीमपुर मध्य पंचायत के NH 31 मोरकाही बाबा टोला से चमन टोला तक की सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करावे। महोदय, वस्तु स्थिति है कि अविस्थापित पथ शीर्ष MMGSY अंतर्गत निर्माणाधीन है, जिसकी कुल लंबाई 2150 मीटर में है, में से 800 मीटर का कार्य प्रगति पर है। शेष लंबाई 1350 मीटर में विवादित जमीन रहने के कारण कार्य बंद है। कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल खगड़िया के पत्रांक 271 अनुलग दिनांक 2/3/19 द्वारा जिलाधिकारी खगड़िया बेगूसराय को जमीन की पैमाइश हेतु पत्र लिखा गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होते ही समीक्षा उपरांत अधिकतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा, अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों का आलोक में मान्य सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2016 में ये पथ का शिलान्यास हुआ, लेकिन जमीन का अधिग्रहण का मामला है तो सर, 3 साल से लिखते लिखते जमीन को अभी वापस ले लीजिए ना, वापस लेंगे, लेकिन माननीय मंत्री जी जल्दी बना दे। श्री विजय कुमार खेमका। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिला अंतर्गत पूर्णियापुर प्रखंड के लालगन पंचायत में कारी कोसी नदी के 3640 घाट पर जनहित में RCC पुल का निर्माण करावे। ग्रामीण कार्य। महोदय, वस्तु स्थिति है कि अविस्थापित पुल स्थल के एक तरफ के बसावट को शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना निर्मित T07 से 3640 विक्रम पट्टी पथ से संपर्कता प्राप्त है, एवं दूसरी तरफ के बसावट को शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत निर्मित हरदा शिव मंदिर से जब्बार कामत पंडित टोला पथ से संपर्कता प्राप्त है, अतः इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है, अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों का आलोक में मान्य सदस्य अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ सड़क है, वो समाप्त मंत्री जी को अलग से बता दीजिएगा, अभी तो वापस लीजिए। जी जी जी, अब मंत्री जी से खाली आग्रह है कि 4-5 पंचायत को जोड़ता है, इसलिए इस पर पुनर्विचार करें। मैं अपना पैसा वापस लेता हूँ, लिख के दीजिएगा तो उनके संज्ञान में भी रहेगा, अभी वापस ले लीजिए। वापस लेता हूँ। ठीक है, वापस। श्री राजकुमार राय।
प्रस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला अंतर्गत हसनपुर प्रखंड के छात्र एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु एक डिग्री कॉलेज का निर्माण करावे। शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार के वर्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय है जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है। हसनपुर प्रखंड समस्तीपुर जिले के रोसरा अनुमंडल के क्षेत्र अंतर्गत आता है जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय के रूप में यूआर कॉलेज रोसरा संचालित है। जिन प्रखंडों में कोई भी महाविद्यालय संचालित नहीं है वहां नालंदा खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से अध्ययन केंद्र की स्थापना की जा रही है। अतः संप्रति हसनपुर प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वापस लीजिए, कोई योजना नहीं है। महोदय, योजना सरकार बनावे महोदय, ठीक है। इसलिए कि महोदय वहाँ क्षेत्र में हसनपुर बिथान सिंहार लगभग चार प्रखंड है वहाँ, अभी कोई नीति है उसमें वहाँ कोई योजना नहीं है। अभी तो मैं आग्रह करूँगा आपसे महोदय कि चरण के माध्यम सरकार इसको योजना बना के डिग्री कॉलेज खोले। ठीक, वापस हुआ। श्री चंदन कुमार। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिला अंतर्गत अलौली प्रखंड में खगड़िया अलौली पीडब्ल्यूडी पथ दोघट्टा से अलौली अत्यंत ही जर्जर अवस्था में है, पुनर्निर्माण करावे। ग्रामीण कार्य। महोदय, वस्तु स्थिति है कि विस्थापित पथ पीडब्ल्यूडी से रामनगर देवट्टा चौक से अलौली हथवन पीडब्ल्यूडी पथ के नाम से पथ मरम्मति हेतु प्राकलन बिहार अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत स्वीकृति की प्रक्रिया में है, तदुपरांत अग्रतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों का आलोक मान्य सदस्य अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेके प्रक्रिया चल रही है, वापस ले लीजिए। मैं अपना संकल्प वापस। ठीक है, वापस हुआ। श्री सुधीर कुमार। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जम्मू जिला अंतर्गत सिकंदरा प्रखंड में कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण करावे। कृषि। महोदय, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना भारत सरकार द्वारा की जाती है। माननीय सदस्य की मांग के आलोक में जमुई जिला अंतर्गत सिकंदरा प्रखंड में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए भारत सरकार से अनुशंसा किया जाएगा। ठीक, अनुमति ले जा रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, वापस हुआ। श्री सुधांशु शेखर। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के मधवापुर प्रखंड में एक सरकारी डिग्री महाविद्यालय की स्थापना करे। शिक्षा। उसी ने चल अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार के वर्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय है जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है। मधवापुर प्रखंड मधुबनी जिला के बेनीपट्टी अनुमंडल के क्षेत्र अंतर्गत है जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय के रूप में केवी साइंस कॉलेज बेनीपट्टी संचालित है। जिन प्रखंडों में कोई भी महाविद्यालय संचालित नहीं है वहाँ नालंदा खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से अध्ययन केंद्र की स्थापना की जा रही है। अतः संप्रति मधवापुर प्रखंड में सरकारी डिग्री कॉलेज खोलने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वो अपना प्रस्ताव वापस ले। वापस ले लीजिए। जी, मैं अपना प्रस्ताव वापस ले। श्री मोहम्मद तौसीफ आलम। अधिकृत है आफाक आलम। अध्यक्ष महोदय, ये सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला दिघल बैंक प्रखंड के कालीपीठ के पास कनकई नदी में ध्वस्त पुल बनाने का निर्माण। ग्रामीण कार्य। महोदय, वस्तु स्थिति है कि अविस्थापित ध्वस्त पुल शीर्ष राज्य योजना अंतर्गत निर्मित तुलसिया से बीबीगंज पथ के
आरेखन में अवस्थित है। उक्त ध्वस्त पुल के स्थान पर नए पुल के निर्माण हेतु डीपीआर की मांग की जा रही है। तदनुसार अग्रतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा। अतः ऊपरी संबोधन की वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे। वापस ले रहे हैं जितना जल्द हो सकता। ठीक है, श्रीमती सुनीता सिंह चौहान। महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि शिवहर जिला अंतर्गत तरियानी प्रखंड में कोलसो एवं मोतनाजे सड़क के सामने बागमती नदी पर पुल का निर्माण करावे। ग्रामीण कार्य। महोदय, अविस्थापित पुल स्थल के एक तरफ शिवहर जिला अंतर्गत सलेमपुर बसावट पीडब्ल्यूडी पथ शिवहर से मुजफ्फरपुर पर अवस्थित है। कोसलो एवं मोतनाजे गांव की संपर्कता पीएमजीएसवाई पथ से प्राप्त है। दूसरी तरफ कोई भी योग्य बसावट नहीं है। पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग का आरेखन पर नहीं है। पुल निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है। अतः मान्य सदस्य से अनुरोध है कि वो अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे। महोदय, कोलसो मोतनाजे के सामने बागमती नदी पर पुल निर्माण के लिए 14 सितंबर 2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए हैं, फिर भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई। महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि जनहित में उक्त जगह पर पुल निर्माण कराने का निर्देश देने चाहेंगे। मैं वापस करती हूँ। ठीक है, वापस हुआ। श्री विनय वर्मा। सभा राज्य सरकार से अविस्तार करती है कि पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के सुगौली पंचायत के चौबड़ ग्राम से बिरती ग्राम होते हुए सुगौली पिच रोड तक सड़क का जीर्णोद्धार कराया। ग्रामीण कार्य। महोदय, अविस्थापित पथ की लंबाई 1.34 किलोमीटर है जो ईटकृत है। चौबड़ ग्राम एवं सुगौली ग्राम को अलग अलग पीएमजीएसवाई पथों से संपर्कता प्राप्त है। बिरती टोला चौबर ग्राम के आंतरिक पथ पर अवस्थित है। पथ राज्य कोड नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें। ठीक है, दूसरे विभाग से होगा, इसको अभी वापस लेंगे। सर, एक बात हम कहनी है, अभी हमारे यहाँ बाढ़ है। इस सड़क के बारे में स्कूटी इंजीनियर हम ही से पूछ के जवाब लिखवाए हैं। दूसरी बात यह है सर कि ये स्कूटी इंजीनियर जो है, मैंने जवाब हमसे पूछ रहे थे कि सड़क कहाँ है। हाँ, फोन से पूछ के रिकॉर्डिंग भी कहा जाएगा, दे देंगे सर। दूसरी बात यह है सर, उनकी पोस्टिंग है सर, ये अधिकारी आपके विश्वास में ज्यादा रहते हैं। नहीं, विश्वास नहीं, वो है ही नहीं सर। वो उनकी पोस्टिंग नरकटियागंज में स्कूटी इंजीनियर। इसको नए सिरे से करिएगा ना, अभी वापस सर थोड़ा सा हम वापस ले रहे हैं। एक बात करा मंत्री महोदय को खाली बता देना चाहते हैं, उनकी पोस्टिंग नरकटियागंज में स्कूटी इंजीनियर है और चार विधानसभा को देखते हैं, लेकिन वहाँ रहते नहीं है। पूरे एसडीओ और पूरे टीम के साथ सर बेतिया रहते हैं। अभी बाढ़ में मेरे यहाँ दो आदमी मर गए हैं सर। उस सड़क हमारे यहाँ टूट गई है, उसको देखने तक ही लोग नहीं जा रहे। वो मंत्री जी महोदय से हम मिलेंगे, इसके लिए हम सब रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा। ठीक है, वापस हुआ। श्री रामचंद्र सहनी। श्री रामचंद्र सहनी अनुपस्थित। श्री मोहम्मद नवाज आलम। मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वो भोजपुर जिला अंतर्गत आरा विधानसभा क्षेत्र के शहरी इलाके में बुटको द्वारा प्रस्तावित आउटफॉल नाला मुख्य रूप से मिल्की मोहल्ले नाला का निर्माण करावे। नगर विकास। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि आरा शहर के जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु आरा स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज योजना का डीपीआर प्रबंध निदेशक बुटको के पत्रांक 384 दिनांक 29/1/2019 द्वारा विभाग में उपलब्ध कराया गया था। उक्त डीपीआर की जांच के क्रम में त्रुटियां पाई गई, जिसके निराकरण हेतु विभागीय पत्रांक 2484 दिनांक 20/5/2019 द्वारा डीपीआर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के आलोक में प्रबंधन निदेशक बुटको पत्रांक 1277 दिनांक 29/5/2019 द्वारा आरा स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का प्राकलन उपलब्ध कराया गया है, जिसकी जांच विभाग स्तर पर करा दी गई है। राशि की उपलब्धता के आलोक में योजना स्वीकृति पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। महोदय, इसलिए हमारा है कि इसको ये लगभग 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी 30/1/2017 को जो है बैठक किए थे समीक्षात्मक,
उसमें जो है नौ उठफल नाला ड्रेनेज का प्रस्ताव आया, उसका डीपीआर ही बन गया महोदय। लेकिन एक नाला सिर्फ जो हम इसलिए करें, पूरी आरा की आबादी मिल्की मोहल्ले नाले से गुजरती है महोदय, और पूरा जल जमाव बना रहता है। हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि कम से कम वहां जल से निजात के लिए उसको अविलंब बनवा दें। अभी वापस ले लीजिए, मैं प्रस्ताव वापस। ठीक। श्री सत्यदेव सिंह। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिशाप करती है कि वह जिला अरवल के बंसी प्रखंड अंतर्गत स्थित ग्राम मुगलापुर के निजी जमीन खाता नंबर 112 प्लॉट नंबर 112-117 प्लॉट नंबर 607/2084 एराजी 2.72 डिसमिल का अधिग्रहण कर सलाह का निर्माण कर। ग्रामीण कार्य। महोदय, वस्तु स्थिति है कि विस्तावित प्रश्न में उल्लेखित बसावट मुगलापुर को आईएपी योजना अंतर्गत निर्मित पथ बंसी से मोगलापुर पथ से संपर्कता प्रदत्त है। उक्त के आलोक में निजी भूमि का अधिग्रहण कर उस पर पथ निर्माण कराने का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है। वर्णित परिस्थिति में मान्य सदस्य अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे। ठीक, वापस लेता हूँ। डॉक्टर रामानंद प्रसाद। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह सारण जिला के सोनपुर विधानसभा क्षेत्र एवं पूरे प्रदेश में अनसर्वे लैंड ऑब्लिक टोपू लैंड के नाम पर पिछले 5 वर्ष से बंद भूमि का निबंधन दाखिल खारिज एवं जवाबबंदी का कार्य प्रारंभ करावे। राजस्व भूमि सुधार विभाग। इस पर तो विस्तृत चर्चा हुई है, सरकार का नीति निर्माण चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कई बार आग्रह किया है, हो चुकी है जल्द, लेकिन जल्दी निष्पादन के लिए हम बता दें। अभी तो हम लोग सफल है, हम लोग आसन को भी देखना है, आपसे भी बात कर लेंगे, अभी वापस ले। ठीक, मंत्री जी का जब कुछ नहीं आया, इतनी बात तो मंत्री जी बताए थे ना, हम थोड़े बताए, अभी वापस लिए, वापस हुआ। श्री राजेश कुमार। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला अंतर्गत कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत अंबा चिल्की हाई स्कूल के मैदान में स्टेडियम का निर्माण करावे। कला संस्कृति युवा। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत एक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है। वस्तु स्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत कुटुंबा प्रखंड के उच्च विद्यालय कुटुंबा में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है, अतः एक प्रखंड में अन्य स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता है, अतः माननीय सदस्य आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले। अध्यक्ष महोदय, ये जहाँ के मैं प्रस्ताव दिया हूँ वहीं के प्रस्ताव आप दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद, वापस कर लीजिए। धन्यवाद, मैं अपना संकल्प। श्री ललन पासवा। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह रोहतास जिला अंतर्गत चिनारी गुप्ता धाम जाने के लिए दरगाँव मलीपुर पथ से पचौड़ा घाट होते और रैया भुड़कुड़ा के आगे गुप्ता धाम तक सड़क वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर करावे, निर्माण करावे। ग्रामीण कार्य। महोदय, वस्तु स्थिति है कि रोहतास जिला अंतर्गत प्रखंड चिनारी दरीगांव मल्लीपुर पथ से पचौरा तक पथ पीएमजीएसवाई अंतर्गत निर्मित है और औरैया एवं भुडकुड़ा बसावटों की आबादी क्रमशः लगभग 434-440 है। यह पीएमजीएसवाई कोर नेटवर्क के सीएनसीपीएल के क्रमांक 558 पर अवस्थित है। वन विभाग से अनापत्ति हेतु पत्र दिया गया है, तदनुसार प्राथमिक क्रमानुसार इसका निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा। वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे। महोदय, ये गुप्ता धाम बहुत ही विख्यात जगह है और आ रहे हैं भाई तो सर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी, सब कोई है सर, गुप्ता धाम जाने के लिए कहीं से कोई रास्ता नहीं है, सड़क मार्ग से। सर एक मिनट सुन लीजिए,
अरे अभी क्या उसमें तो आप लिखे ही है वहाँ तक। सर सर सुन लीजिए सर, मैं उसके बाद सुनेंगे सर। वहाँ जाने के लिए 17-18 किलोमीटर और हर साल सर एक दर्जन से दो दर्जन लोग नदी में बह जाता है। इसलिए एनओसी पीडब्ल्यूडी बनाना, ग्रामीण कार्य विभाग बनाना मतलब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते रेहल से रोहतास भगुना दोनों 55 किलोमीटर लगभग अब कार्य योजना में है माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से। तो माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से चाहते हैं कि वहां बन जाने के बाद केदारधाम की बात ही, वहां लाखों लोग अभी तक चारों तरफ से जाते हैं लोग, झारखंड से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, और झारखंड बिहार अलग होने के बाद देवघर के बाद सबसे बड़ा मत विभाग से अनापत्ति शीघ्र इसलिए बन जाए। अभी वापस कर लीजिए। ठीक है सर, वापस। माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है। डॉक्टर रंजू गीता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प्रखंड बाजपट्टी पंचायत हरपुरवा प्रधानमंत्री सड़क से धनकौल बेलहिया मधुबनी बेलहिया कब्रिस्तान से बूढ़ा बाबा के स्थान विजय सिंह के घर से मुरौल बरई टोला भासेपुर बाजार रतनपुरा हुमायपुर बाजार छोटी बदियन मठ बड़ी बदियन चौक तक की जर्जर सड़क का पुल पुलिया के साथ निर्माण की स्वीकृति सुनिश्चित करावे। ग्रामीण कार्य महोदय, अब अविस्थापित प्रश्न 9 पथों से संबंधित है। नंबर 1 हरपुरवा से धनकौल पथ, यह पथ पीएमजीएसवाई द्वारा निर्मित है जिसके अनुरक्षण अवधि समाप्त हो गई है। बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत डीपीआर तैयार किया जा रहा है, तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। नंबर 2 बेलिया मधुबनी पथ, यह पथ पीएमजीएसवाई द्वारा निर्मित पथ है जिसकी अनुरक्षण अवधि समाप्त हो गई है। बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत डीपीआर तैयार किया जा रहा है। नंबर 3 भदियन मठ से भदियन चौक पथ, यह भदियन ग्राम का आंतरिक पथ है, भदियन ग्राम को आरसीडी पथ से संपर्कता प्राप्त है। नंबर 4 भदियन चौक से बिलहिया पथ, यह भदियन ग्राम का आंतरिक पथ है, बिलहिया ग्राम एवं भदियन चौक को आरसीडी पथ से संपर्कता प्राप्त है। नंबर 5 बिलहिया से बिलहिया कब्रिस्तान पथ, यह पथ बिलहिया ग्राम का आंतरिक पथ है, बिलहिया ग्राम को पीएमजीएसवाई पथ से संपर्कता प्राप्त है। ठीक, चलिए हो गया, बाकी देख लीजिएगा, वापस ले लीजिए। जवाब चल वापस। श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत में ऐसी प्रखंड के उजिलपुर में इब्राहिमपुर घाट पर पुल का निर्माण करे। ग्रामीण कार्य महोदय, अविस्थापित पुल स्थल के एक तरफ उजिल पुल एवं दूसरी तरफ इब्राहिमपुर को पक्की सड़क से संपर्कता प्राप्त है। पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के स्वीकृत आरेखन पर नहीं है। पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 5 किलोमीटर दूरी पर पुल अवस्थित एवं डाउन स्ट्रीम में 4 किलोमीटर दूरी पर कटहा घाट पुल निर्माणाधीन है। पुल निर्माण का तत्काल प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अतः मान्य सदस्य अनुरोध है कि उस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें। महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करेंगे, पुल है, मैं आग्रह करूंगा कि उसको बनवा दे, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। वापस हुआ। डॉक्टर अब्दुल गफूर। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वह सहरसा जिला अंतर्गत नवट्टा प्रखंड के बकुनिया गांव के निकट कोसी नदी के उपशाखा में पुल का निर्माण करा। ग्रामीण कार्य महोदय, वस्तु स्थिति है कि अविस्थापित पुल दो जिला दरभंगा एवं सहरसा को जोड़ता है। पुल स्थल के एक तरफ सहरसा जिला के अंतर्गत बकुनिया गाँव की संपर्कता हेतु एमजीएसवाई अंतर्गत निर्मित पथ छतवन घाट से बकुनिया पथ से प्राप्त है एवं पुल के दूसरी तरफ दरभंगा जिला अंतर्गत सिरनिया गांव को शीर्ष पीएमजीएसवाई अंतर्गत निर्मित पथ L029 सिरनिया से लक्ष्मीनिया पथ से संपर्कता प्राप्त है। पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के स्वीकृत पथ के आरेखन पर नहीं है,
अतः प्रश्नाधीन पुल के निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों का आलोक में मान्य सदस्य अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे। चलिए अब क्या करिए, अब हरियाणा तो क्या है, लेकिन आग्रह करते हैं कि विचार करें। ठीक है, वापस हुआ। श्री मनोज कुमार प्राधिकृत है, श्याम बाबू यादव। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से भी प्रस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफीगंज प्रखंड के लाहा पंचायत एवं इटार पंचायत के मध्य अवस्थित तेमुंडा ग्राम में मदार नदी में मुख्यमंत्री सेतु योजना से 2015 में निर्मित पुल के दोनों तरफ संपर्क पथ का निर्माण कराऊं। ग्रामीण कार्य महोदय, वस्तु स्थिति है कि उल्लेखित पुल बिहार राज्य पुल निगम द्वारा निर्मित है। पुल स्थल के एक तरफ तेमुंडा बसावट है, जिसे PMGSY अंतर्गत लट्टा से तेमुंडा पथ से संपर्कता प्रदत्त है। तेमुंडा से पुल स्थल पर 500 मीटर लंबाई में रैयती जमीन है एवं कोई बसावट नहीं है। पुल की दूसरी तरफ 1.80 किलोमीटर लंबाई के बाद बराही पोतु कोइलमा पथ निर्माण विभाग का पथ है। इस 1.80 किलोमीटर के रेखांकन में कोई बसावट नहीं है। रैयती भूमि के कारण संपर्क पथ निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बाबू जी, इसको वापस है, सड़क नहीं बन सकते, वापस करिए। वापस लेता हूँ। ठीक, श्री सुभाष सिंह। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह पूर्व में निर्मित हीरा पकड़ सुलिस गेट से निर्बाध जल निकासी के लिए हरपुर ग्राम में सारण तटबंध में सुलिस गेट का निर्माण करावे। जल संसाधन। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि गोपालगंज जिला अंतर्गत गंडक नदी के दाएं तट पर निर्मित हीरा पाकड़ मसान थाना छरकी एवं मंगराहा छरकी के बीच निर्मित हीरा पाकड़ सुलिस से गंगे नदी छारी नदी निकलती है, जो सारण तटबंध के किलोमीटर 139 के पास से गोपालगंज की ओर बहती है। हरपुर ग्राम सारण तटबंध के किलोमीटर 139 के पास स्थित है। गोपालगंज शहर की बाद से सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थानीय प्रशासन द्वारा हीरा पाकड़ सुलिस गेट को लगभग 16 वर्ष पूर्व सील कर दिया गया है एवं वर्ष 2003 बाढ़ पूर्व कटाव निरोधक कार्य अंतर्गत उक्त सुलिस के पीछे स्थित सारण तटबंध के किलोमीटर 139 के पास तटबंध के खुले भाग को बंद कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप प्रस्तागत नदी में गंडक नदी से जल प्रवाह नहीं हो रहा। प्रस्तागत नदी पर विगत वर्षों में स्थानीय लोगों द्वारा बसावट कर अस्थायी और अस्थायी भवन आदि का निर्माण भी कर लिया गया, जिसके कारण प्रस्तागत नदी का अस्तित्व लगभग समाप्त प्राय है। प्रस्तागत नदी में जल प्रवाह पुनः शुरू करने हेतु नदी को बसावट से मुक्त करने के पश्चात हीरा पाकर सुलिस को खोलने एवं सारण तटबंध के किलोमीटर 139 पर एंटी फ्लड सुलिस का निर्माण कराना होगा, परंतु इससे गोपालगंज शहर पर बाढ़ का खतरा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए इस प्रस्ताव को वापस ले लें। महोदय, अंग्रेजों द्वारा गंडक और गंगा को गंगा व यमुना को जोड़कर बाढ़ सुखाड़ से के समस्या से निदान के लिए यह नहर बनाई गई। अभी कह रहे सुलिस खोलने से गोपालगंज पर बाढ़ का खतरा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। तो उसके तो उसका तो देखवा लेंगे, अभी वापस लेके अलग। मंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि जल संचय का चिंता सबको है और नदी से नदी जोड़ने की योजना या तो अंग्रेजों द्वारा पूर्व में गोपालगंज यूपी के सीमा से गोपालगंज जिला में 3 जगह सरजुको से जोड़ा है और गोपालगंज से गंगा को जोड़ने का काम अंग्रेजों द्वारा किया जा चुका है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार बांध है सुलिस का क्या मतलब है नदी जोड़ी। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सुलिस गेट के आगे से बांध बनाकर या पीछे से बांध अलग से दीजिएगा मंत्री जी, उसको जांच कराएं। पानी के बहाव को रोक दिया गया, जिसके फलस्वरूप आज बाढ़ से तबाही मचती आई है। तो मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ उस सारे नदियों का और सुलिस गेटों का बांध हटा के और उसका अध्ययन कराया जाए। अध्ययन करा के उसे
बाढ़ का दबाव। आपका सुझाव सही है, वो अलग से लिख के दे दीजिएगा, अभी प्रस्ताव वापस। जी मैं वापस लेता हूँ। श्री सुबेदार दास। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला अंतर्गत मखदुमपुर प्रखंड स्थित उमता छतियाना मुख्य पथ में पिपरा मोड़ शिव शंकर मंदिर से विद्युत पावर स्टेशन तक लिंक रोड निर्माण करावे। महोदय वस्तु स्थिति है कि प्रश्नाधीन पथ पिपरा मोड़ शिव मंदिर से विद्युत पावर स्टेशन तक पथ कच्ची है। इस पथ कार्यक्रम में कोई गांव, टोला एवं बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है। इसके निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है। वर्णित परिस्थिति में मान्य सदस्य अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, जो विद्युत पावर स्टेशन का जो निर्माण हुआ, पिछले वर्ष उद्घाटन भी हुआ, और मात्र एक रास्ता है जो शिव शंकर मंदिर से पिपरा मोड़ से, उस गांव से रोड जाते हुए अगर विद्युत पावर स्टेशन तक निर्माण होता है तो उससे बगल में छतियाना गांव है, बगल में कचरासिन गांव है, दोनों गांव उससे जुड़ जाता है। वो सब बसावट की सूचना दे दीजिएगा मंत्री जी को, अभी वापस ले लीजिए। ठीक है, मैं अपना प्रस्ताव। जितेंद्र कुमार। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला अंतर्गत अस्थामा, सरमेरा, बिंद एवं कथित राय प्रखंडों में वर्ष 2018-19 की सुखाड़ में किसानों के खरीफ फसल सहायता की बकाया राशि का वितरण करावे। सहकारिता। बिहार फसल सहायता योजना के प्रावधानानुसार अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना के निर्देशन में संपादित फसल कटनी प्रयोग के प्रतिवेदन के आधार पर थ्रेशोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में ह्रास की स्थिति में पात्र किसानों को सहायता राशि अनुमान्य होता है। उपरोक्त प्रावधानानुसार इस योजना अंतर्गत खरीफ 2018 मौसम में नालंदा जिला के सरमेरा, अस्थावा एवं बिंद प्रखंडों में किसी भी पंचायत में धान एवं मक्का फसल की उपज में ह्रास प्रतिवेदित नहीं होने के कारण सहायता राशि अनुमान्य एवं देय नहीं है। नालंदा जिला के कतरीसराय प्रखंड में मात्र दो पंचायत दरवेशपुरा एवं मैरा बारिश में योजना के प्रावधानानुसार सहायता राशि अनुमान्य हुआ है एवं तदनुसार उक्त दोनों पंचायत के पात्र किसानों को निम्न रूपे सहायता राशि का भुगतान किया गया। पंचायत दरवेशपुरा में 279 किसानों ने किसान निबंधित हुए थे, पात्र 218 हुए, सहायता राशि मिला 169 किसानों को, भुगतान की गई राशि 14,34,245। मैरा बारिश पंचायत के 267 किसान निबंधित हुए, पात्र किसान 223 हुए, सहायता राशि 189 किसानों को मिली, भुगतान की गई राशि 13,31,142 है। शेष पात्र किसानों को भुगते सहायता राशि प्रक्रियाधीन है। तो मैं आग्रह करता हूँ कि महोदय आपके भी संज्ञान में है, महोदय अस्थामा से मेरा बिंद में सुखाड़ की स्थिति थी और सुखाड़ का अनुदान भी मिला महोदय, और लेकिन फसल सहायता का लाभ नहीं मिला। जो सांख्यिकी विभाग का जो रिपोर्ट आया था महोदय, उस रिपोर्ट की जांच करवाने का भी हमने आग्रह किया था कि जो फसल कटनी प्रयोग हुआ है उसका रिपोर्ट सही नहीं आया महोदय। ये किसानों का मामला है और वहाँ सुखाड़ की स्थिति बनी थी, तो एक बार महोदय हमें प्रश्न के माध्यम से भी आपने भी निर्देश दिया था, तो मुझे आपसे आग्रह है महोदय कि एक बार जो रिपोर्ट आया है फसल कटनी प्रयोग का उसे निर्देश देने की कृपा करें। वो दे दीजिएगा, उसको देखवा लेंगे। अभी वापस जी वापस लेता हूँ। श्री रत्नेश सदा। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से आविष्कार करती है कि वह सहरसा जिला अंतर्गत सोनबरसा प्रखंड के काशनगर पंचायत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बालिका हेतु आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण करे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग। महोदय, सहरसा जिला अंतर्गत राजकीय अम्बेडकर आवासीय बालक उच्च विद्यालय अमरपुर सहरसा संचालित हैं। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा सभी आवासीय विद्यालयों को 10+2 में उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई है, जिसमें प्रति विद्यालय 720 आसन स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक आवासीय विद्यालयों में आधारभूत संरचना का विकास होने के पश्चात 10+2 स्तर तक की पठन पाठन प्रारंभ की
जाएगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं राज्य के किसी भी राजकीय अम्बेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय में नामांकन कराकर पठन पाठन कर सकती है। वर्तमान में सहरसा जिला अंतर्गत सोनवर्षा प्रखंड के काश नगर पंचायत में नया आवासीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। सक्षम प्राधिकार से भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध होने पर विद्यालय का निर्माण कराया जा सकता है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपना प्रस्ताव। सिंहवाड़ा प्रखंड के ग्राम टेक्टार में अधमारा समूह नदी के टेक्टार घाट के समीप नदी में पुल निर्माण करावे। ग्रामीण कार्ड महोदय, अविस्थापित पुल स्थल के एक तरफ टेक्टार बसावट को आरसीडी पद से एवं दूसरी तरफ कोठिया बसावट को आरसीडी पद से संपर्कता प्राप्त है। पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग का आरेखन पर नहीं है। इस स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है, तो मान्य सदस्य अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं और इन्होंने अनाउंस भी किया था कि जो भी चचड़ी के पुल है, जो लकड़ी के पुल है, उसको बदल के आरसीसी पुल बनाया जाएगा। काफी सालों से ये चचड़ी का पुल बना हुआ है और आवागमन काफी कठिनाई होती है। दो ब्लॉक को ये पुल जोड़ता है और इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। मैं माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, फिर से इस पे सोचा जाए और इस पे इसको बनाया जाए। अभी वापस श्रीमती गायत्री देवी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड के भासर होकर जाने वाली नदी पर पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग से अभिलंब करा दे। महोदय, अविस्तावित पुल स्थल के एक तरफ गाँव आमसर को PMGSY पद से संपर्कता प्राप्त एवं दूसरी तरफ गांव खैरवा मुस्लिम टोला को MMGSY चयनित पद से संपर्कता प्राप्त हो जाएगी। पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 2.25 किलोमीटर पर एवं डाउन स्ट्रीम में 3.5 किलोमीटर पर पुल पूर्व से निर्मित है। यह स्थल ग्रामीण कार्य विभाग आरेखन पर नहीं है, अतः पुल निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है। मान्य सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे। वापस लेती हूँ। श्री शिव चंद्र राम। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड के चकसिकंदर पक्की सड़क से महुआ पक्की सड़क तक अनुमंडल मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण जनहित में करावे। पथ निर्माण महोदय, वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड की चकसिकंदर पक्की सड़क से महुआ सड़क तक अनुमंडल मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क के लिए चकसिकंदर करियो चौक मिर्जानगर महुआ पथ का अधिग्रहण ग्रामीण कार्य विभाग से किया गया। यह कार्य वार्षिक कार्य योजना 2019-20 में प्रस्तावित है, अतः माननीय सदस्य अनुरोध है अपना संकल्प वापस लें। 2019-20 में प्रस्तावित। अध्यक्ष महोदय, 2016 में ही जो ग्रामीण कार्य विभाग था उससे जो है कि ट्रांसफर PWD में हो गया था और इतनी सड़क जर्जर है जिस पर चलना दुर्लभ है आज के समय में भी। अभी तो कह रहे हैं 19-20 में प्रस्तावित। ठीक है, तो अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। श्री मोहम्मद नेम महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वो गोपालगंज जिला में NH 28 के भुड़कुया मोड़ से माझा प्रखंड के करणपुरा गफूर रोड में मिलने वाली सड़क को पथ निर्माण विभाग में शामिल करे। पथ निर्माण विभाग नहीं करेगा। महोदय, पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर अधिग्रहण की नई नीति का गठन प्रक्रिया अधीन है। नई पथ अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद समीक्षा उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी, अतः माननीय सदस्य अनुरोध है अपना संकल्प वापस लें। आश्वासन या लोक में वापस लेता हूँ। श्री शाहनवाज। महोदय, प्रस्ताव करता हूँ ये सभा राज्य सरकार के अभी प्रस्ताव करती है कि वो अररिया जिला अंतर्गत जोकीहाट प्रखंड के धनपुरा मस्जिद से LRP पुराना सड़क होते हुए जहानपुर चौक तक सड़क का पक्कीकरण के साथ पुलिया का भी निर्माण करावे। ग्रामीण कार्य। महोदय, वस्तु स्थितियों के प्रश्नाधीन पथ के आरेखन में धनपुरा मस्जिद हरवा टो
टोला कटरवाड़ी एवं जहानपुर टोला अवस्थित है, जिसकी संपर्कता निम्नानुसार प्राप्त है। धनपुरा मस्जिद को पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित तक पथ से संपर्कता प्राप्त है। जहानपुर टोला NH 327 पर अवस्थित है। उक्त बसावट को छोड़कर प्रश्नाधीन पथ के आरेखन पर कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है। संप्रति इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है, अतः उपयुक्त बनी तथ्यों का लोक मान्य सदस्य अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। वापस ले श्री मुजाहिद आलम। श्री मुजाहिद आलम अनुपस्थित। श्री दिनकर राम। मैं प्रस्ताव करता हूँ सीतामढ़ी जिला के मेजरगंज बलिया ग्राम के पश्चिम के देवस्थल से दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क ग्रामीण कार्य विभाग। महोदय, अविस्थापित पथ का DPR MMGSY अंतर्गत तैयार कर लिया गया है। स्वीकृति उपरांत निर्माण कार्य कराया जा सकेगा। तो मान्य सदस्य अनुरोध है कि उप संकल्प को वापस लेने की कृपा करें। हो रहा है, अभी वापस लेना है। ठीक, वापस हुआ। श्री ललित कुमार यादव। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ये सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है वह दरभंगा जिला अंतर्गत मुनिगाछी अंचल में निबंधन कार्यालय स्थापित करे। मध्य से महोदय, जिला अवर निबंधक कार्यालय दरभंगा के क्षेत्राधिकार में अवस्थित मुनिगाछी अंचल के पिछले 3 वित्तीय वर्ष 16-17, 18-19 तक की अवधि में निबंधित दस्तावेजों की वार्षिक औसत संख्या 1675 है। विभागीय पत्रांक 1102 दिनांक 19/5/13 के द्वारा नए निबंधन कार्यालय खोले जाने के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रस्तावित निबंधन कार्यालय के क्षेत्राधिकार ने न्यूनतम 8000 दस्तावेज का निबंधन प्रति वर्ष संभावित होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 16-17 से 18-19 तक की अवधि में औसत वार्षिक राजस्व प्राप्ति 3,26,78,000 रुपए है, जबकि नए निबंधन कार्यालय खोले जाने के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार प्रस्तावित कार्यालय का न्यूनतम वार्षिक राजस्व 4 करोड़ रुपए संभावित होनी चाहिए। मुनिगाछी अंचल नए निबंधन कार्यालय खोले जाने का विभाग का निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करता। अभी खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं, इसलिए माननीय सदस्य अनुरोध है कि कृपया संकल्प वापस। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जब ये उठे तो हमको समझ में आ गया कि जवाब क्या वापस लेना है। तो माननीय मंत्री जी को ये पता है कि नहीं, पहले पूर्व में राज्य सरकार ने प्रतिवेदन मंगाया था जो राज्य सरकार की यहाँ लंबित है, फिर भी माननीय मंत्री जी को हम जानकारी दे रहे हैं कि सकारात्मक जवाब दिए, इसके आलोक में हम प्रस्ताव वापस लेते। श्री भोला यादव। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अविस्तार करती है कि वह दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत रतनपुरा गांव के हाट के पास बागमती नदी पर पुल जो मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट एवं समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर को जोड़ती है का शीघ्र निर्माण करावे। पथ निर्माण। महोदय, संकल्पाधीन पुल ग्रामीण कार्य विभाग के पथ पर अवस्थित है। पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर अधिग्रहण की नई नीति का गठन प्रक्रियाधीन है। नई पथ अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद समीक्षा उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है अपना संकल्प वापस लेते। ठीक है महोदय, ये 3 जिला को जोड़ने वाला पॉइंट है। जिस जगह पर ये पुल बनेगा वहीं से गायघाट का मुजफ्फरपुर जिला शुरू होता है, माननीय महेश्वर बाबू का क्षेत्र है। एक तरफ माननीय मंत्री जी विराजमान है,
वो भी महेश्वर बाबू ही है, महेश्वर हजारी साहब उनका है और नहीं किया। और तीसरे तरफ बना रहे हैं, फिर विचार करेंगे, अभी तो वापस। अभी वहाँ पर चचरी पुल है महोदय, प्रत्येक वर्ष एक नई घटना होती है। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ, जो उस जगह पर इतनी लंबी चौड़ी जगह है, ग्रामीण कार्य विभाग नहीं करवा पाएगी। वापस लेके आग्रह करिए। ठीक, वापस तो ले ही लिया, आग्रह कर रहा हूँ तो बनवा दीजिए। चलिए, हम कहाँ आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं। श्री निरंजन राम, राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह मोहनिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जहानाबाद चिरबिली एवं शकरी पंचायत को मिलाते हुए कुदरा को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करावे। नगर विकास आवास। महोदय, वस्तु स्थिति नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 3 के आलोक में सभी जिला पदाधिकारियों से नगर निकाय के रूप में गठित होने वाले क्षेत्र का प्रतिवेदन की मांग की गई की जा रही है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 3 ग में यह प्रावधान है कि छोटे शहर अर्थात नगर पंचायत की दशा में उस क्षेत्र की जनसंख्या 12,000 से अधिक किंतु 40,000 से कम होगी। उक्त प्रावधान के परंतु में यह भी प्रावधान है कि उस क्षेत्र की गैर कृषि जनसंख्या कुल जनसंख्या का 75% या उससे अधिक होगी। इस मामले में संरूप नगर पंचायत हरनौत के गठन के विरुद्ध दायर याचिका सी डब्ल्यू जे सी संख्या 9108/2017 विजय कुमार सिन्हा द्वारा अन्य बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा नगर पंचायत गठित हेतु गैर कृषि जनसंख्या में शामिल अवयवों को स्पष्ट करने का आदेश दिया गया है। नगर निकाय के क्षेत्र में गठन के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश। मंत्रीगण भी अपना रिस्पॉन्स संक्षेप में दें। इसका निराकरण होने के बाद इसको ले लिया जाएगा, अतः वर्तमान में प्रावधान संशोधित करने पर विचार किया जा रहा है। तदुपरांत निर्धारितता के आलोक में ही विचारोपरांत नगर पंचायत क्षेत्र घोषित किए जाना संभव हो सकेगा। अतः माननीय से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस। ठीक महोदय, वहाँ 361 मीटर है और उसकी आबादी 20,000 से कम नहीं है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा उसको पुनः विचार कर ले। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। वापस हुआ। श्री जनार्दन मांझी, श्री सचिन प्रसाद सिंह पड़े। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह बांका जिला अंतर्गत अमरपुर नगर पंचायत के चमसार तालाब के चारों तरफ पक्की सीढ़ी घाट एवं चारों तरफ पीसीसी पथ का निर्माण करावे। नगर विकास आवास। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि अमरपुर नगर पंचायत के चंसार पोखर के सौंदर्यीकरण एवं सीढ़ी घाट निर्माण हेतु उपलब्ध प्राकलन में अद्यतम अनुसूचित दर के आलोक में संशोधन कर प्राकलन तैयार करने का निर्देश कर। अब तो प्राकलन तैयार संशोधन किया जा रहा है, वापस ले लीजिए। महोदय, मैं मंत्री जी के सकारात्मक श्री मोहम्मद अफाक आलम रुपए के आलोक में अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। कि पूर्णिया जिला अंतर्गत कस्बा प्रखंड के सरहैली पंचायत के कोसी नदी में कठुआ घाट पर पुल का निर्माण करावे। एक ग्रामीण कार्य विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति है कि अविस्थापित पुल शीर्ष पीएमजीएसवाई योजना अंतर्गत निर्मित धनखनिया घाट पीएमजीएसवाई बस से सदा बतना पथ पर अवस्थित है। कलांतर एवं वर्ष 1917 में आई भीषण बाढ़ से प्रश्नाधीन पुल के स्थल पर पुल से निर्मित का हिम पाइप क्षतिग्रस्त हो गया। उक्त स्थल पर 64.20 मीटर लंबाई का उच्च स्तरीय पुल बनाने हेतु प्राकलन स्वीकृति की प्रक्रिया में स्वीकृति को उपरांत पुल निर्माण करके जा सकता है। तब मंच से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। जी, धन्यवाद देते हैं। वापस हुआ। श्री विनोद प्रसाद यादव। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला अंतर्गत सिरघाटी प्रखंड के ग्राम पंचायत कचौड़ी नैन बिहार
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थान करावे। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि ग्राम कचौड़ी में स्वास्थ्य उपकेंद्र कार्यरत है एवं यहाँ एक एएनएम श्रीमती कुसुम कुमारी के द्वारा टीकाकरण, प्रतिरक्षण एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का संचालन किया जा रहा है। यहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अलग से स्थापित किए जाने की कोई भी योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है, इसलिए माननीय सदस्य आग्रह। अध्यक्ष महोदय, चूंकि 30-40 हजार की आबादी है, उधर कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। वो तो कह रहे हैं पहले से कार्यरत है ना, कार्यरत सूचना दे दीजिए, केंद्र है महोदय, अभी वापस ले लीजिए। एएनएम से 30-40 हजार की आबादी की चिकित्सा नहीं हो सकती। कुछ भी बोलिएगा, अभी संज्ञान में जाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि वहाँ आबादी क्या लोग वहाँ पर आश्वासन दे दें। महोदय, प्रस्ताव वापस करिए ना कुछ। अरे अभी क्या, अभी तो प्रस्ताव वापस करिए। तो आप मंत्री महोदय कुछ कहा क्या उस पर आबादी को देखते हुए? पंडित कह रहे हैं कि वहाँ कार्यरत है। नहीं, ये अच्छी उपकेंद्र है महोदय। तो उपकेंद्र है आप, हम तो प्राथमिक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य खोलने का भी विचार है? नहीं है विचार। चलिए वापस लीजिए, रिजेक्ट हो जाएगा। अब तो वापस लेते हैं। ठीक है, श्री राजेंद्र कुमार। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला के प्रखंड तुरकौलिया अंतर्गत हरदिया धनौती नदी पर पुल का निर्माण करावे। महोदय, अविस्तावित पुल स्थल के एक तरफ हरदिया मठ मोतिहारी कोटवा पीडब्ल्यूडी पथ के किनारे एवं दूसरी तरफ मजुराहा गांव को पक्की सड़क से संपर्कता प्राप्त पुल असल ग्रामीण कार्य विभाग के कोर्ट नेटवर्क में नहीं है, अतः पुल निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य अनुरोध है कि वो संकल्प को वापस लेने की। महोदय, सरकार इसके पहले सकारात्मक विचार रखी थी जिसके तहत 18 बिंदु पर वहां से चेकलिस्ट मंगाया गया, फिर एक दोबारा जो है माननीय मंत्री जी के द्वारा 19वां चेकलिस्ट मंगाने के बाद यह कहा गया था कि निर्माण हो जाएगा, लेकिन हम आग्रह करेंगे, आग्रह करते हुए कि पुनः विचार कर माननीय मंत्री जी और अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं। श्री राजू तिवारी, वापस। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज प्रखंड के पशुपति चौक पिपरा गहरी से एकडेरवा इंग्लिश घिवाडार से पीडब्ल्यूडी मोतिहारी पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिकृत करावे। आपकी तो नीति बन रही है महोदय, पुराने अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर अधिग्रहण की नई नीति का गठन प्रक्रियाधीन है। नई पद अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद समीक्षा अग्रसर कार्रवाई कर सकेगी। राजू, नीति बनने के बाद विचार होगा। वापस ले तो मंत्री महोदय घोषणा भी कर चुके हैं लोकसभा चुनाव में, जरा ध्यान देंगे। ठीक है, वापस हुआ। श्री रामविलास पासवान, श्री रामविलास पासवान अनुपस्थित। श्री अशोक कुमार 208। राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह रोहतास जिला अंतर्गत सोन उत्तरीय कैनाल में ग्राम सिंगुही में नहर के क्षतिग्रस्त पुलिया का चौड़ीकरण कर पुल का निर्माण करावे। जल संसाधन। अध्यक्ष महोदय, सोन उच्च स्तरीय नहर के 26.67 किलोमीटर पर सिंगुही ग्राम के पास पुल निर्मित है जिसके पियर की चौड़ाई 2.90 मीटर है, अतः पुल के डेक स्लैब की चौड़ाई बढ़ाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। निर्मित पुल के डेक स्लैब की स्थिति अच्छी है, मात्र पारापेट क्षतिग्रस्त है। उक्त स्थिति में निर्मित पुल के क्षतिग्रस्त पारापेट के निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक 871 दिनांक 11/7/2019 द्वारा मुख्य अभियंता सिंचाई सृजन डेहरी को निर्देशित किया गया। धन्यवाद, वापस। श्री वापस हुआ। श्री अशोक कुमार सिंह 203। करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वह कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड में जल संसाधन विभाग का लर्मा पंप केंद्र में नए पंप एवं मोटर लगावे। जल संसाधन। अध्यक्ष महोदय, विभागीय पत्रांक 923 दिनांक 19/7/2019 द्वारा मुख्य अभियंता यांत्रिक जल संसाधन विभाग पटना को लर्मा पंप योजना के नवीनीकरण का विस्तृत योजना प्राकलन एक पक्ष के अंदर
उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। निधि की उपलब्धता के आधार पर कार्यान्वयन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। तो स्पष्ट आदेश सरकार को धन्यवाद देते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। श्री मदन मोहन तिवारी। प्रस्ताव करती है कि वह पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत मछलिया प्रखंड के जौकटिया चौक से भांगा चक तक सड़क एवं कोहड़ा नदी में पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य। महोदय अविस्तावित पथ एवं पुल राज्य के किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है। जो कटिया एनएच 727 के किनारे अवस्थित है एवं भाना चौक को पीएमजीएसवाई पथ से संपर्कता प्राप्त है। पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 2.5 किलोमीटर पर, डाउन स्ट्रीम में 3 किलोमीटर पर पुल पूर्व से निर्मित है। पथ एवं पुल निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है, तो मान्य सदस्य अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें। अलग से सूचना दे दीजिएगा, अभी वापस ले। ठीक है, श्री शशि भूषण हजारी। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वो दरभंगा जिला अंतर्गत प्रखंड बिरौल के लदहो ग्राम में कमला नदी पर पुल बनाने का निर्माण कराए। ग्रामीण का अविस्तावित पुल स्थल के एक तरफ बलिया बसावट को पीएमजीएसवाई पथ से संपर्कता प्राप्त एवं दूसरी तरफ नुनिया टोल एवं लदहो जादव टोल बसावट को संपर्कता प्रदान करने हेतु एमएमजीएसवाई योजना अंतर्गत पथ निविदा की प्रक्रिया में है। पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के पथ आरेखन पर नहीं है। इस स्थल के डाउन स्ट्रीम में 4 किलोमीटर पर पुल पूर्व से निर्मित है। इस स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है, तो मान्य सदस्य अनुरोध है कि संकल्प को वापस ले लें। वापस लेता। ठीक। 95 श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह समस्तीपुर जिला अंतर्गत मगरदही घाट से सिलौत दुर्गा स्थान 5 किलोमीटर पथ, जिसका तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता पथ निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित है, का निर्माण कराए। पथ निर्माण नीति महोदय मगरदही घाट से सिलौत तक 5 किलोमीटर पथ का प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत अग्रतर कार्रवाई किया जाएगा। अच्छा, माननीय शासन रोज अपना संकल्प वापस ले। नहीं सर, इसमें मैंने बोला है तकनीकी स्वीकृति अनुमोदित है। बोल रहे प्रक्रिया में तकनीकी नहीं सर, ये 18 किलोमीटर का बाईपास था और जो 5 किलोमीटर है जो मतलब टेंडर में नहीं आया, क्योंकि वो जल संसाधन विभाग से एनओसी लेना था और जब वो नहीं बन पाएगा तो फिर ये 13 किलोमीटर में नहीं बन पाएगा। इस कार्य योजना में ले लेंगे तब सर, बाकी 13 किलोमीटर बन चुका है। आप सुनबे नहीं किए, आप पूरी बात सुनते नहीं। महोदय ये जो सड़क है ये 5 किलोमीटर है, खुद इन्होंने दिया है संकल्प और इसकी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। तकनीकी स्वीकृति महोदय 14/6/19 को प्राप्त हुआ है। प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई चल रही है। 19,67,46,000 रुपए का ये योजना है और इस सुनिए उनका काम होना चाहिए ना, उनसे तो सुनिए क्या आपको। चलिए आप महोदय, उसकी चौड़ाई केवल 3.05 मीटर है, उसको 7 मीटर चौड़ा कर रहे हैं महोदय, अब क्या चाहिए, कम कर दें। ठीक है, तो वापस ले लीजिए, आश्वासन के आधार पर अपना प्रस्ताव वापस ले। ठीक। डॉक्टर सीएन गुप्ता। यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वह सारण जिला अंतर्गत रेवीरगंज प्रखंड के सिमरिया घाट में श्मशान घाट जाने के लिए रेलवे लाइन को क्रॉस करने हेतु अंडरपास का निर्माण ग्रामीण कार्य। महोदय अविस्थापित स्थल पर रेलवे लाइन को क्रॉस करने हेतु अंडरपास ग्रामीण कार्य विभाग कार्यक्रम पर नहीं है। रेलवे लाइन क्रॉस करने हेतु अंडरपास का निर्माण रेलवे द्वारा वाहन घनत्व एवं तकनीकी समीक्षा को उपरांत भारत सरकार द्वारा दी जाती है, अतः संकल्प भारत सरकार के अधीन रहने के कारण मान सदस्य अनुरोध है कुछ संकल्प को वापस लेने की प्रक्रिया। सरकार से पत्राचार चल रहा है, अभी वापस ले लीजिए। जी मैं वापस लेता हूँ। श्री संजीव चौरसिया 97। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वो दीघा नहर से लेकर राजा पुल तक सड़क के दोनों किनारों पर बने नाला मदर ड्रेन का पुनर्निर्माण करावे। नगर विकास आवास। हम देंगे आप पथ निर्माण। महोदय दीघा नहर से
राजापुर पुल तक दोनों तरफ पथ के आवश्यकता अनुसार नाला बनाया गया और वर्तमान में कहीं पर जल जमाव की समस्या भी नहीं है। फिर भी माननीय सर से कह रहे तो मैं इसको फिर से दिखवा लेता हूँ, मतलब माननीय सर से अनुरोध अपना संकल्प वापस ले लें। चलो, एक माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि दोनों तरफ के नाले के जो अंदर पहले से बने हुए थे, बहुत तरह के बाधाएं अंदर है, उसको थोड़ा ठीक करवाने का काम करेंगे। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। 98 श्री सैयद अबू दोजाना, श्री समीर कुमार महासेठ। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करते हैं कि वो सीतामढ़ी जिला के पुपड़ी प्रखंड अंतर्गत आवापुर उत्तरी पंचायत के मौला नगर में स्थित उर्दू मध्य विद्यालय को सिर्फ छात्राओं के लिए उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करा दें। शिक्षा। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 1021 दिनांक 5/7/2013 के द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना किए जाने का नीतिगत निर्णय संसूचित है। इसके तहत निर्धारित मापदंड यथा 75 डिसमिल भूमि वाले मध्य विद्यालय का उत्क्रमण उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाता है। ठीक। सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड अंतर्गत आवापुर उत्तरी पंचायत में उत्क्रमित उच्च विद्यालय मौला नगर अवस्थित है, जिसमें छात्र एवं छात्राओं दोनों का पठन पाठन होता है। राज्य में अवस्थित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सह शिक्षा की व्यवस्था है, अर्थात उक्त विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं का अध्यापन कराया जाता है। सिर्फ छात्राओं के लिए उच्च विद्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, अतएव माननीय सदस्य से अनुरोध है वे अपना संकल्प वापस लें। ठीक, वापस लें। श्री अरुण कुमार सिन्हा। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह पटना नगर निगम वार्ड 47 बहादुरपुर गांव में पुराना ऐतिहासिक तालाब का जीर्णोद्धार करावे। नगर विकास आवास। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि वार्ड संख्या 47 बहादुर गंज गांव में पुराना एवं ऐतिहासिक तालाब का जीर्णोद्धार कार्य प्राकलन पटना नगर निगम द्वारा तैयार कराया जा रहा है। प्राकलन प्राप्त होने के पश्चात निधि की उपलब्धता के आधार पर योजना स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अतः तो माननीय सदस्य है। आप तो बढ़िया जवाब दिए, वापस। ठीक। 100 श्री कुमार सर्वजीत। राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह गया जिला अंतर्गत फतेहपुर प्रखंड में स्थित मनहोना चंदन बांध आहर पाइप विगत 25 वर्षों लघु जल संसाधन विभाग है। लघु जल संसाधन विभाग तो बाहर गए, महोदय आ जाएंगे तो जवाब दे देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसका देख जवाब की प्रत्याशा में वापस ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते, लेता। 101 श्री अशोक कुमार सिंह। 224 अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह औरंगाबाद जिला अंतर्गत नगर पंचायत रफीगंज के वार्ड नंबर 3 अब्दुलपुर के पास रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण हेतु केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय से सिफारिश करे। परिवहन विभाग। महोदय, औरंगाबाद जिला अंतर्गत नगर पंचायत रफीगंज के वार्ड नंबर 3 अब्दुलपुर के पास रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण प्रस्ताव आम जनोपयोगी है। उक्त रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण हो जाने से बड़ी गाड़ियों के आवागमन में भी सहूलियत होगी। अतः औरंगाबाद जिला अंतर्गत नगर पंचायत रफीगंज के वार्ड नंबर 3 अब्दुलपुर के पास रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु राज्य सरकार केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय से अनुरोध करेगी। चलिए श्रवण जी पढ़िए। महोदय, गया जिला के फतेहपुर प्रखंड के अंतर्गत मनहोना चंदन बांध आहर पॉइंट का DPR तैयार किया गया है। इस योजना को 66 योजनाओं के साथ केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने हेतु केंद्रीय जल आयोग भारत सरकार को विभागीय पत्रांक संख्या 633
मेमो दिनांक 6/5/2019 द्वारा भेजा गया है। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलते ही इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन विहित प्रक्रिया के तहत कराया जाएगा। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने प्रक्रिया चल रही है। वापस ठीक वापस श्री चंद्रसेन प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ, यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला के कंगर प्रखंड के पंचायत तिल्हाड़ा में स्थापित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उत्क्रमित करे। स्वास्थ्य महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रखंड स्तर पर ही प्रावधानित है, पंचायत स्तर पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के में उत्क्रमित करने की कोई भी योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। तो माननीय सदस्य आग्रह होगा कि संकल्प वापस लें। ठीक महोदय, तिल्हाड़ा एक ऐतिहासिक जगह है और वहाँ पर उत्खनन के दरमियान, लेकिन अभी पंचायतें है ना। जी सर, पहले परगना था सर, मंत्री ने कहा कि पंचायत में नहीं करना। अब तो पहले परगना था, परगना था महोदय, पहले वापस ले लीजिए। माननीय मंत्री महोदय से उम्मीद है, ऐसा उम्मीद नहीं था महोदय कि इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उत्क्रमित करें। ठीक, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। ठीक वापस। श्री समीर कुमार मासेठ। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से अविस्तार करती है कि वह नगर निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग पर रोक लगाने हेतु नगर अध्यक्ष, मेयर, जिला परिषद अध्यक्ष एवं प्रमुख का चुनाव मुखिया के चुनाव के तर्ज पर कराए जाने की व्यवस्था करें। नगर विकास महोदय, उल्लेखनीय है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित कोई योजना है आपके यहाँ? अभी कोई ऐसी योजना नहीं है, नहीं लेकिन विचाराधीन, तब क्या बिल्कुल वही बात है, इसलिए अभी वापस ले रहे हैं। मेन है कि इस पर मेन है कि पॉलिसी मैटर पर संकल्प नहीं आता है, मेन ये है, इसलिए आप वापस ले लीजिए। श्री सत्यनारायण सिंह। सत्यनारायण से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वह शाहबाद एवं मगध के 9 जिलों के खेतों के सालों भर सिंचाई एवं बरसात में गंगा नदी के बाढ़ से बचाव हेतु कदवन जलाशय परियोजना के निर्माण की पहल शीघ्र करे। तो बहुत पुरानी योजना है। ये 28/6/2017 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में इंद्रपुरी जलाशय योजना का विस्तृत योजना प्रतिवेदन कार्रवाई चल रही है। चलिए, सरकार कार्रवाई कर रही है। सत्यनारायण जी वापस। ठीक है सर, वापस ले। श्री लाल बाबू राम। सवार सवार से अविस्ताप करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला सकरा प्रखंड में अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय खोलने की स्वीकृति देने होती भवन देते हुए भवन का निर्माण करा। अनुसूचित जाति जनजाति विभाग। महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत सकरा प्रखंड में अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय खोलने के संबंध में जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के पत्रांक 897 दिनांक 9/7/2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। अंचलाधिकारी सकरा से प्रतिवेदन प्राप्त है एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु पत्रांक 20/3/19 के माध्यम से अनुरोध किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा पत्रांक 239/9/19 के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु शिक्षा विभाग से पत्राचार किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के उक्त पत्रांक 239/9/19 के अनुसार अम्बेडकर बालिका आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु राजकीयकृत नव उत्क्रमित मध्य विद्यालय माध्यमिक विद्यालय सिमरी सकरा अंचल अंतर्गत ग्राम सिमरी थाना नंबर 957 खाता संख्या 199 खेसरा नंबर 1293 में 6 एकड़ 61 डिसमल एवं खेसरा नंबर
1286 में 1 एकड़ 32 डिसमल कुल रकबा 7 एकड़ 94 डिसमल में से 3 एकड़ भूमि पर अंबेडकर बालिका आवासीय विद्यालय भवन निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत 4 आवासीय विद्यालय संचालित हैं तथा आवासीय उच्च विद्यालय पोखरेरा प्लस 2, बालिका उच्च विद्यालय राजबारा, प्राथमिक बालिका विद्यालय मुरौल एवं प्राथमिक बालिका विद्यालय बोचहा संचालित है। अंत में क्या स्थिति है मंत्री जी, उतना बता दीजिए। बता रहे हैं महोदय, शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अन्य सदस्य कार्रवाई हो रही है, प्रस्ताव वापस लेता हूँ। ठीक, श्री नारायण प्रसाद पूछेंगे सचिंद्र प्रसाद से। ये सारे अनुपस्थित लोगों का ऑथराइजेशन आप ही को? सब दो आदमी का। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में स्थापित हुए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया का नामकरण महारानी जानकी कुंवर चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया के नाम से करें। महोदय, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया का नामकरण महारानी जानकी कुंवर चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कोई नहीं, विहित माध्यम से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार उचित निर्णय लिया जा सकेगा। बाद में विचार किया, माननीय मंत्री जी विचार करेंगे, उनके विचार के अलग मैं अपना प्रस्ताव वापस करता हूँ। श्री जीवेश कुमार। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वह बिहार के नवादा जिले के रजौली से प्रारंभ होकर नालंदा, बख्तियारपुर, ताजपुर, बिठौली, जाले एवं पुपरी होते हुए सीतामढ़ी जिले के भिट्टा मोड़ तक बन रहे 4 मार्ग वाला नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के तीसरे व अंतिम चरण ताजपुर से भिट्टा मोड़ का कार्य अविलंब प्रारंभ करावे। पथ निर्माण कहाँ सुन लिए कि 8 फेज में वहां जाना है? महोदय, ये बता दीजिएगा, 3rd फेज में नहीं है। साउथ नॉर्थ कॉरिडोर इस प्रकार का अब नहीं है। भारत सरकार के भारतमाला परियोजना में औरंगाबाद से दरभंगा तक जो कॉरिडोर बन रहा है वही अब साउथ नॉर्थ कॉरिडोर कहा जाएगा, और जिससे आप शेष मार्ग दखन की बात कर रहे हैं उस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हमारी सर से अनुरोध, अपना संकल्प। सर, ये 12 में इसका प्रस्ताव बना था सर। अरे वो अभी नहीं है ना, 12 में आया था, 19 में नहीं है। तो माननीय मंत्री जी से कहना, जब दरभंगा पहुंचा रहे हैं तो जाले से भिट्टा मोड़ क्यों छोड़ रहे हैं, उतना जोर दें। 70 किलो जो कहना है कह के प्रस्ताव, अपना प्रस्ताव वापस ले ली। प्रस्ताव तो वापस लेना ही है हुजूर, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट सड़क है 70-80 किलोमीटर। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा सदर प्रखंड अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुनहान वासुदेवपुर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करे। स्वास्थ्य विभाग। सभापति महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में दरभंगा सदर प्रखंड के अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुनहान वासुदेवपुर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने हेतु दरभंगा जिला द्वारा लक्षित किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में इन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित कर लिया जाएगा। सदस्य आग्रह की वो वापस ले। मैं आभार प्रकट करता हूँ स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रति, श्री सरोज यादव। और ये तो पारित हो गया सर। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि भोजपुर जिला अंतर्गत बड़ारा प्रखंड के केशवपुर शमशान घाट से भैया सलीग्राम सिंह के टोला होते हुए महुदही गजियापुर पथ सड़क का निर्माण करावे। चलिए, ग्रामीण कार्य। नहीं, जल संसाधन के पास है ये, या आम रास्ता नहीं है जी। इसका उपयोग बाढ़ अवधि में जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा तटबंध के निरीक्षण एवं बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के लिए के ढुलाई के लिए किया जाता। जल संसाधन विभाग द्वारा सड़क का निर्माण नहीं कराया जाता है। यदि सड़क निर्माण से संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की जाती है तो जल संसाधन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। चलिए, ये बाढ़ के समय में ये बांध ही उपयोगी होता है और उस गांव का कहीं से भी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कहीं से भी कोई जुड़ाव नहीं है और काफी लगभग 12,000 की आबादी
अगर ये बांध बन जाता है अध्यक्ष महोदय, सुलिस गेट लग जाता है तो उससे ज्यादा लाभ होगा। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर विचार करके सुलिस गेट और पथ का निर्माण कराने का विचार करें। मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं। धन्यवाद। श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड मुख्यालय में बस अड्डा बनाकर नागरिक सुविधा प्रदान करावे। परिवहन नगर विकास। महोदय, प्रखंड स्तर पर बस स्टैंड की सुविधा के संबंध में नीति का निर्धारण किया जा रहा है। इसके लिए प्रखंड मुख्यालय में 1 एकड़ भूमि चिन्हित करने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया गया है। जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मुतिहारी द्वारा सूचित किया गया है कि कल्याणपुर प्रखंड मुख्यालय में इसके लिए अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः माननीय सदस्य आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वहां भूमि है, दोबारा प्रस्ताव भिजवाइए, मैं वहां भूमि उपलब्ध करवा देता हूं। और मंत्री जी के सकारात्मक आश्वासन के लिए मैं उनको धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापस करता हूं। श्री जयवर्धन यादव। श्री जयवर्धन यादव अनुपस्थित है। 80 नंबर कुछ करें बताइए। अध्यक्ष महोदय, 80 नंबर छूट गया। आप बैठिए ना, छूट गए तो इतना हड़बड़ में क्यों है? अपना समय में रहते नहीं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि बिहार में एक भी टीचिंग यूनिवर्सिटी नहीं है। एन मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा एकमात्र विश्वविद्यालय है जो इस मानक पर वर्तमान कुलपति की कार्यक्षता के कारण खरा उतर रहा है। अतएव सरकार एरन मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को टीचिंग यूनिवर्सिटी घोषित कर बेगूसराय को इसका प्रमुख अंग बनावे। ठीक है, शिक्षा विभाग को जाएगा। अच्छी। श्री मुजाहिद आलम। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ ये सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वो शिक्षा सेवकों तालीमी मरकज एवं टोला सेवक को विद्यालय में समायोजन तथा NIOS से DLED करावे। आज 80 शिक्षा, ये शिक्षा विभाग को चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट ये ना। श्री अब्दुल सुबान। 15 नंबर। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ पंथ निर्माण कि ये सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिला अंतर्गत 22 प्रखंड के NH-31 फटकी से प्रधानमंत्री सड़क 64 तक सड़क को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करते हुए पथ का जीर्णोद्धार कराया जाए। वैसे जवाब मालूम है सर, जवाब मालूम है, लेकिन ये जवाब मालूम है तो वापस सीधे ले लीजिए। जी सर, जवाब का वितरण अगर कर देते सर तो 2 संकल्प हम लोग का बच जाता सर। बाबा लड़ रहे हैं। जी सर, जवाब मालूम है उनको, कहे दे रहे हैं। जी जवाब मालूम है, आगरा की बाबा है, लीजिए। नया नियम बनेगा तब किया जाएगा। तो नया आगरा करते हैं जी, वापस करते हैं। लेकिन सर ठीक है, वापस 2 संकल्प बेकार हो गया सर। चलिए श्री कितना नंबर था? 19 खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग आए नहीं है, वो विभाग को चला जाए। ठीक। अब श्री फैसल रमान नहीं है। श्रीमती आशा देवी। 22। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह पटना जिला के दानापुर प्रखंड जमालदी चक पंचायत में स्थित आहार एवं पैन को अतिक्रमण से मुक्त कर जिंदवार करवाए। बस खत्म हो गया। चलिए दीजिए, ट्रांसफर हो गया। जहाँ जवाब है वहीं से दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिला के दानापुर प्रखंड में जमाल उद्दीन चक पंचायत में स्थित आहार का स्थल निरीक्षण कराया गया है। उक्त आहार की लंबाई लगभग 1150 फीट तथा चौड़ाई 30 फीट है। इसके कुछ भाग को भर कर रास्ता बनाया गया है। इस आहार को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सहायक अभियंता लघु सिंचाई अनुमंडल दानापुर के पत्रांक 175 दिनांक
25/7/19 द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर को अतिक्रमण खाली कराने हेतु लिखा गया है। अतिक्रमण मुक्त होने के उपरांत महोदय उक्त आहार का सर्वेक्षण कराया जाएगा तथा सिंचाई कार्य हेतु उपयोगी पाए जाने पर इसका DPR तैयार कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है अपना सरकारी संकल्प वापस लेने की कृपा की जाए। प्रस्ताव वापस लेते और व्यासदेव प्रसाद जी चलिए 36 व्यासदेव प्रसाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि दाहा नदी सिवान जिला के 3 विधानसभा क्षेत्र सिवान सदर रघुनाथपुर एवं दरौदा से होकर गुजरती है जो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत है। यह उड़ाईकरण एवं इसके दोनों तटबंधों के सुदृढ़ीकरण कराने का मैं करावे जल संसाधन। अध्यक्ष महोदय, दाहा नदी कुचायकोट प्रखंड के सासा मूसा चौक टलकर सिवान जिला के 3 विधानसभा क्षेत्रों सिवान सदर रघुनाथपुर एवं दरौंदा होते हुए सारण जिला के ताजपुर के समीप घाघरा नदी में मिलती है। दाहा नदी एक प्राकृतिक ड्रेनेज चैनल है। सिवान जिला अंतर्गत इस नदी पर कोई तटबंध निर्मित नहीं है। सारण जिला के मांझी प्रखंड में इस नदी के दाएं तट पर कौवल तटबंध है जिसकी कुल लंबाई 11 किलोमीटर है एवं बाएं तट पर कौरीमल 1 एवं 2 तटबंध निर्मित है जिसकी कुल लंबाई 12.70 किलोमीटर है। दाएं एवं बाएं तट पर निर्मित तटबंधों की स्थिति ठीक है। बाढ़ अवधि में अत्यधिक वर्षापात होने की स्थिति में अल्प समय के लिए नदी में जल प्रवाह होता है। वर्तमान में नदी तल की NSL से औसतन गहराई 2 मीटर है। वर्तमान स्थलीय परिपेक्ष में नदी का उड़ाहीकरण एवं तटबंधों का सुदृढ़ीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है। यह एक सांस्कृतिक नदी है। जिस तरह से गंगा एक सांस्कृतिक नदी है ठीक उसी तरह से यह बाण गंगा, इसको बाण गंगा कहते हैं, यह सांस्कृतिक नदी है। ये जो जल संसाधन मंत्री जी के द्वारा जो विचार दिया गया वह सही नहीं था। आप मैं उससे सहमत के बारे में बता दीजिएगा, अब उस पर अलग से निर्णय लेंगे। अभी वापस ले लीजिए। वापस तो हम लेंगे, बताइएगा, लेकिन उसको एक उद्धारक की जरूरत है और माननीय मुख्यमंत्री जी उस नदी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। उसमें करोड़ों आर्टिजन मिल है जो जमीन से ढक देने के अतिक्रमण करने के कारण वह रुका हुआ है। देखेगी अभी आप बात सही कर रहे हैं। अभी प्रस्ताव वापस ले लीजिए। अभी तो हम प्रस्ताव वापस लेते हैं। अब गैर सरकारी संकल्प समाप्त हुए। माननीय सदस्यगण, षोडश बिहार विधानसभा का त्रयोदश सत्र दिनांक 28 जून 2019 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 26 जुलाई 2019 को समाप्त हो रहा है। इस सत्र में कुल 21 बैठकें हुई। सत्र के प्रथम दिन दिनांक 28 जून 2019 को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी विधायक दल के जनता दल यूनाइटेड में विलय होने की सूचना से सदन को अवगत कराया गया। इसी दिन बिहार विधानसभा के द्वादश सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित कुल 9 विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया। कुल 10 जननायकों के निधन के साथ साथ चमकी बुखार यानी AES एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम से मुजफ्फरपुर एवं अन्य जिलों में सैकड़ों मासूम बच्चों की मौत पर शोक प्रकाश किया गया। इसके साथ साथ प्राकृतिक आपदा जैसे भीषण गर्मी, लू तथा ठनका बिजली गिरने के कारण
गया एवं औरंगाबाद सहित अन्य जिलों में कई लोगों की मृत्यु पर भी शोक प्रकाश किया गया। तदुपरांत दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिनांक 1 जुलाई 2019 को सदन में एईएस से मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत पर कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ एवं तत्पश्चात इस पर विशेष बहस हुई। प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य के अलावा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी इस विषय पर विस्तार पूर्वक स्थिति स्पष्ट की गई। दिनांक 3 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2019 तक विभिन्न विभागों के अनुदानों की मांगों को सदन में विमर्शोपरांत स्वीकृति मिली। दिनांक 18 जुलाई 2019 को गृह विभाग के अनुदान की मांग पर वाद विवाद हुआ। माननीय मुख्यमंत्री के उत्तर के पश्चात यह मांग स्वीकृत हुई एवं शेष मांगे गिलोटिन यानी मुखबंद के माध्यम से स्वीकृत हुई। दिनांक 22 जुलाई 2019 को प्रभारी मंत्री संसदीय कार्य विभाग द्वारा बिहार विधानसभा की नियम समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गई, जिसे 25 जुलाई 2019 को सदन ने अंगीकृत किया। इसके माध्यम से प्रत्यायुक्त विधान समिति के कार्य एवं दायित्व को स्पष्टता के साथ रेखांकित किया गया है। दिनांक 23 जुलाई 2019 को वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण कार्य विभाग के अनुदान की मांग पर वाद विवाद हुआ। सरकार के उत्तर के बाद मांग स्वीकृत हुई एवं शेष मांगे गिलोटीन के माध्यम से स्वीकृत हुई। तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ। इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली। बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2019, बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2019, बिहार विनियोग अधिकाई व्यय विधेयक 2019, बिहार मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधेयक 2019, बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2019, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक 2019। सत्र के दौरान कुल 3488 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 2795 प्रश्न स्वीकृत हुए। स्वीकृत प्रश्नों में 37 अल्पसूचित, 2419 तारांकित एवं 339 प्रश्न अतारांकित थे। सदन में उत्तरित प्रश्नों की संख्या 343, सदन पटल पर रखे गए प्रश्नोत्तर 608, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या 560, अपृष्ठ प्रश्नों की संख्या 64 रही। शेष 1220 प्रश्न अनागत हुए एवं 1509 प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त हुए। इस सत्र में कुल 376 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 34 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 69 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गए। इस सत्र में कुल 754 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 728 स्वीकृत हुए एवं 26 अस्वीकृत हुए। कुल 427 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें 335 स्वीकृत एवं 92 अस्वीकृत हुई। इस सत्र में कुल 227 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर इस सदन में चर्चा हुई। माननीय सदस्यों द्वारा इस सत्र के दौरान शून्यकाल के माध्यम से अनेक जनहित के मामले उठाए गए एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचनाओं की प्रतियां एवं बिहार विधानसभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गए। सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ साथ पक्ष प्रतिपक्ष के
आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं। मैं विशेष रूप से आप सबों को साधुवाद देता हूं, क्योंकि आपके सहयोग से ही इस सत्र का संचालन अपेक्षाकृत अधिक सफलता से हो पाया है एवं जनहित के अधिक मामलों पर विमर्श हो सका है। दिनांक 12 जुलाई 2019 को प्रश्नकाल के दौरान कुल 53 प्रश्नों का निस्तारण हुआ, जो एक मिसाल है। आशा है आने वाले सत्रों में भी पक्ष प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का सहयोग इसी तरह प्राप्त होता रहेगा, जिससे सदन सुचारू रूप से संचालित हो सकेगा और हम सभी अधिकतम जनहित साधने में सफल होंगे, जो हमारा अभीष्ट है। समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्रवाई सफलता से ले जाने का कार्य किया है, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूँ। सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अब सभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।